औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मेरी तरफ से तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं बहाओ द फ्लो। आज लेआउट आपको थोड़ा चेंज नजर आ रहा होगा क्योंकि व्हाट्सएप की जगह आज हम कनेक्टेड हैं वाया जूम। और मेरे साथ हैं मसरूर भाई फ्रॉम मैनचेस्टर, हसनैन भाई फ्रॉम कराची, मैं फ्रॉम ब्रैडफोर्ड, और शाह साहब एज यूजुअल लाइव फ्रॉम सूफी गाइडेंस स्टूडियोज मैनचेस्टर। बहाव का प्रोग्राम है, बहुत सी चीजें जो हैं वो पहले से हम डिस्कस करते आ रहे थे उसको भी आगे लेके चलेंगे, लेकिन बहुत से कई नए सवाल ऐसे हैं कि जो मेंबर्स ने, फॉलोअर्स ने, चाहने वालों ने, साथ चलने वालों ने पूछे हैं, तो वो भी आगे आगे जो है वो हम इस प्रोग्राम में पूछेंगे। मेरी तरफ से मसूद भाई, हसन भाई, शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज आपके? खैरियत से सब लोग? ठीक रजा भाई ठाक सलाम को जी। सलाम अलैकुम मसरूर भाई, सलाम अलैकुम हसनैन भाई, और सलाम वालेकुम अलैकुम शहजाद भाई, और सलाम अलैकुम ऑडियंस। सलाम जी मसरूर भाई, सबसे जी पहले तो वैक्सीन जो है जी उसके बारे में, स्पेशली अब फोर्थ लॉकडाउन का की बात चल रही है। अब जैसे शाह साहब ने कहा था कि सितंबर में एक और लॉकडाउन जो है वो आ रहा है, अब सितंबर जितना करीब आता जा रहा है, अब खबरें वैसी ही आ रही हैं कि हो सकता है कि नया लॉकडाउन दोबारा से बिल्कुल। इम्पोज हो। तो सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं कि जो हालात है यूके में, देखिए आप ऐसा है बताएं कि कि कल इन्फेक्शन रेट हमारे यूके का 26,000 हो गया, जबकि 6 जून को 3,000 था। तो जी रोज ये बढ़ता जा रहा है हजार के हिसाब से, हजारों में। अब गवर्नमेंट इसलिए परेशान है, ऑल्दो डेथ रेट जो है वो कम है, मरने वालों की तादाद कम है, हॉस्पिटलाइजेशन है मगर उतने नहीं है। और जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं उसमें डबल वैक्सीनेटेड भी हैं, सिंगल भी हैं, नॉन भी हैं, सभी कुछ हैं। तो उसका भी इनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट जो है या इसका जो डेल्टा प्लस है कौन सा है, इस पे वैक्सीन कितनी काम करेगी और कितनी नहीं करेगी, समझे ना। तो अब ये जो आप जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी परेशान है, अभी इन्होंने 19 जुलाई को कहा है, मगर क्योंकि इंग्लैंड में इन्फेक्शन ज्यादा है इसलिए ये तो कह रहे हैं कि हम 19 जुलाई को ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग खोल देंगे, मगर यूरोपियन कंट्री कह रहे हैं कि हम इनको आने नहीं देंगे क्योंकि इनके यहाँ इन्फेक्शन ज्यादा है, सही। तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। और अगर ये 26 से अगर ये 30 दिन के अंदर ये 50-60 हो गया तो इनको लॉकडाउन करना पड़ेगा, इनको लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट परेशान है इस वजह से कि खोलती है। आप देखिए कल पिछले हफ्ते स्कॉटलैंड का मैच था वेम्बली में, तो स्कॉटलैंड से जो लोग वहां गए वो जब वापस घर गए हैं तो उसमें 2,000 स्कॉटिश फैंस को पॉजिटिव हो गए, जबकि उस स्टेडियम में जाने से पहले सबका चेक हुआ था, ओनली नेगेटिव वेंट इन, मगर 2,000 लोग पॉजिटिव हो गए स्कॉटिश सपोर्टर। तो रजा भाई दरअसल ये बताइए कि अब बहाव में अब क्या कह रहे हैं वो? लॉकडाउन तो लगेगा, लॉकडाउन लॉकडाउन लगेगा, अभी भी आ रहा है। लॉकडाउन अभी भी आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं उसको, ये कंटेन होगा, कंट्रोल नहीं होगा। कंटेन से मतलब कंटेन कर लेंगे मगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये तो फिर तो बड़ी लंबी कहानी चलेगी फिर लंबी से। कहानी, 12 साल है अभी, तो तीसरा साल लगा है इसको, इजंट इट जस्ट द थर्ड ईयर। तो अभी 12, अभी 9 साल बाकी हैं इसको। और मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी से, क्या आपको पता है, नदीम मलिक से, क्योंकि नदीम जी मलिक का आपको पता है कि माशाल्लाह इज गॉट अ वेरी इंटेलिजेंट है, मेरे से तो बहुत जी जी ज़्यादा। जी जी वेरी वो वेरी कह रहे थे इंटेलिजेंट। दिस इज द न्यू फ्लू, वी विल लिव विद दिस। जैसे कि जो नज़ला है वो बता रहे थे, कह रहे थे कि वो स्वाइन फ्लू का नतीजा है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। हाँ 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 लेकिन ये जो है कह रहे हैं कि दिस इज़ द न्यू फ्लू ऑफ द 21st सेंचुरी और वट एवर सेंचुरी। तो कह रहे, मैंने कहा बात सही है आपकी, मैंने कहा दिस इज़ द न्यू फ्लू, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये ख़तरनाक बहुत है, ये ख़तरनाक बहुत है, क्योंकि सही। हमारे इम्यून सिस्टम अब 1918 के लोगों की तरह रहे नहीं है। हमारे इम्यून सिस्टम वीक है, प्रिजर्वेटिव बेस्ड है हम, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट द थिंग इज बहाव में जो है ये रहेगा। अभी ये ऐसे ही हिट एंड मिस चलता रहेगा, लॉकडाउन लगते रहेंगे, हर कंट्री अपने हिसाब से जान बचाएगी अपने लोगों की, एंड दैट्स अबाउट इट। दिस इज हाउ थिंग्स विल रन एंड दे आर रनिंग एट द मोमेंट। अच्छा एक एक चीज रजा भाई, आज यहाँ पे और कह रहे हैं स्काई वाले कह रहे हैं कि
रिसर्च है शोन, क्योंकि हम लोगों ने 12 महीने से जो लॉकडाउन करके जो लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, हम लोगों की बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, क्योंकि जब हम बाहर जाते थे तो रोज 150 लोगों से मिलते थे, तो हमारी बॉडी वॉज यूज टू फाइटिंग द इन्फेक्शन। अब घर के अंदर बैठ करके 6 महीने से वो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया, डांट अटैक एनीथिंग। तो ये भी कह रहे हैं कि इससे, इसका लॉकडाउन से ये भी फर्क पड़ा है, इससे इससे वायरस को बड़ी मदद मिल रही। इट कैन म्यूटेट एंड चेंज इनटू मेनी मेनी डिफरेंट शेप्स। यस, तो हसनैन भाई पाकिस्तान के इस हवाले से क्या हालात हैं? भाई पाकिस्तान में आज 1 जुलाई को तो रात 10 बजे तक मार्केट वगैरह खोल दी, लेकिन पाकिस्तान में जो रेशो है वो गिर रहा है, 1.3 इस पे आ गया है पूरे पाकिस्तान में। केसेस जो है पहले कम रजिस्टर्ड हो रहे थे, लेकिन वो वाली कैफियत नहीं। अच्छा, वैक्सीन वगैरह लगवा रहे हैं, इसमें रशियन वैक्सीन भी लग रही है, एक्स्ट्राजेनेका भी लग रही है, वो साइनोपाक जो बनाई है वो भी लग रही है, चाइनीज भी लग रही है, फाइजर भी लग रही है, लोग लगवा भी रहे हैं। लेकिन लास्ट डेटा जो मैंने देखा था, तकरीबन 3 लाख लोग वो थे जिन्होंने पहली डोज के बाद दूसरी डोज नहीं लगवाई, पाकिस्तान के पूरे मजमुई सिनेरियो के अंदर के पाकिस्तानी नेशन ने उसको सीरियसली लिया भी नहीं। बस वो आया, बंद कर दिया आपने, उन्हें अंदर बंद किया, वो अंदर घरों में पार्टी करते रहे। हाँ, किसी के कुछ हो गया तो ठीक है जी, वो हो गया, वो खांस वांस की छींक में के बाहर हो गया। मेरे एक दोस्त थे, उनको हो गया था, बहुत करीबी दोस्त हैं वो हमारे प्रोफेसर ही, तो उनको हुआ, वो अपने देसी नुस्खे पर चले गए, कमरे में बंद हो गए थे और वो पराठे वराठे हलीम निहारी खा रहे थे अंदर। वो कह रहे थे यार इम्यूनिटी बड़ी रहनी चाहिए, जो पुराना इन्फ्लुएंजा का नुस्खा है ना कि खाना तगड़ा होना चाहिए। हाँ, वो उस पे वो रिवायत के आदमी है बेसिकली, वो कहते हैं कि चीजें रिवायत से जुड़ी हुई, तो वो कहने लगे ये इन्फ्लुएंजा की एक किस्म है जो है ना, ये नमूनिया की फॉर्मेशन है ये है, तो इसमें इम्यूनिटी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। और वो सही कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। ये जो ठंडे ठंडे जूसेस हैं, वही जो मैंने कहा ना कि फल बेसिकली खाने की चीज होती थी, अब फल हम पीते हैं जूसेस के फॉर्म में, तो वो हिकमत में जो है इस चीज की, यानी कि जब एक चीज की आपने वो क्या कहते हैं उसको, यानी कि कुदरत ने एक चीज बनाई खाने की, आपने उसको फॉर्मेशन चेंज करके पीने की कर दी, तो फिर वो खराबी पैदा हो गई ना। आपने बेसिकली नेचर के अगेंस्ट काम किया, वरना वही बात है कि अल्लाह ताला हर कीनू के फल के ऊपर एक गिलास लटका होता है जूस का, सोचने वाली बात है ये चीज है। तो वो उनकी बात ये सही है कि आपकी इम्यूनिटी बड़ी होनी चाहिए, अंडे वंडे ये वो फलांडे, वहां पुराने जमानों में अंडे देते थे बच्चों को, आजकल जो है सीरियल देते हैं। यू कैन नॉट कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ अ सीरियल टू अंडा। और अंडे के बारे में हिकमत पे कहते हैं कि उसकी कुवत वाइज जो है सर्दी में एक पाव गोश्त की ताकत है हर अंडे में, भले फार्मी हो भले 2 नंबर अंडा हो, कैसा ही अंडा हो, अंडा अंडा होता है। क्यों शहजाद भाई, अंडा है ना, अंडा होता है ना, ये अंडा है ना। हाँ, इनकी वीडियो, इनके ब्लूपर्स भी बने हुए, ये अंडा है, अगर किसी को याद हो तो, अभी चला दूं बोलो तो 2 मिनट लगेगा, ये अंडा है। तो ये चीज है जी। अच्छा मसरू भाई, एक ब्लैक फंगस भी इंडिया में काफी, जी ब्लैक फंगस भी काफी बहुत जबरदस्त चीज है। वो कहते हैं कि इससे फैला है कि जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लोगों को दी गई, तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जब देते हैं तो उसका गंदे पानी से उसके टैंक साफ हुए, तो वो आदमी जब उसने जब लगाया तो उससे वो जर्म्स उसके दिमाग और नाक से उसके बॉडी में घुस गए, उससे वो फंगस पैदा हुआ। और मैंने एक डॉक्टर से बात की इंडिया में, वो कह रहे हैं कि ये कोई पुरानी नई चीज नहीं है, ये तो 50 साल पहले भी थी फंगस, ब्लैक फंगस, मगर वो कंट्रोल थी, हम लोग उसे सफाई से कंट्रोल करते हैं। मगर जब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो गई कि उन्होंने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो फैक्ट्रियों में यूज होती थी वो देना शुरू कर दी, तो उसके जो सिलेंडर थे वो क्लीन नहीं थे, तो उसकी वजह से वो फैला है। तो अभी तो वो कंट्रोल है, उसके लिए दवा भी आ गई है, उसके सारी चीजें हैं, उसके लिए सब चीजें, मगर जी
जो आप तस्करा जो आप बात बता रहे हैं ना मसरूर भाई जी, फंगस का, तो एक एक हमारे मेरी नजर से यहाँ कराची में केस गुजरा, वो फंगस पूरे जिस्म में फैल गई थी। अच्छा वो मुझसे मिले तो बड़े उनका बड़ा बड़ा कारोबार है, तो कहने का है क्या भाई आपको इशू क्या है, कहने का भाई पता नहीं मेरे पेट में ऐसे लगता है जैसे पत्थर पड़े और वो हिलते हैं, पत्थर को तकलीफ होती है। और ये मैंने उनके बहने वहने कनाडा इंग्लैंड वगैरह में हैं डॉक्टर वगैरह भी, तो उनको रिपोर्ट रिपोर्ट टेस्ट कराई, उन्होंने सब काम कराया। अच्छा वो पान छालियाँ खाते थे, ये मजे की बात, उन्होंने फाइंडिंग कहाँ से पकड़ी उस चीज की कि फंगस आई कहाँ से, जो आप बता रहे ना कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर साफ नहीं थे उससे फंगस ट्रांसफर, तो उसके अंदर वो उन्होंने वो लाते थे पान उठा के फ्रिज में रख देते थे जैसे लोग करते हैं उन यूजुअली, तो जो छालिया होती है इसके अंदर ये फफूंद या फंगस लगती है बहुत जल्दी बहुत जल्दी। देखें पुराने लोग छालिया खाते थे तो चूने के अंदर लपेट के खाते थे। जी 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 बिल्कुल। बहरहाल सब उनको ये हो गई और उनके पूरे बॉडी में फैल गई, डॉक्टर आगा खान ने भी दिखाया और भी बाहर भी, उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं, बात हो गई। उसके बाद वो एक होम्योपैथ थे, वो हकमत भी करते थे जो अभी रजा भाई बात कर रहे थे ना कि इम्यूनिटी, पहले के लोग कटे मसाले का कीमा हलीम निहारी पराठे ये खाते थे, इन्फ्लुएंजा में या फ्लू जब हो जाता था हरी मिर्चें वगैरह डाल के, तो वो उनके पास दिखाने, उन्होंने कहा भाई मर तो रही हूँ, चलो किसी ने बताया वो शायद अजीताबाद दस्तगीर में वो डॉक्टर साहब रहते थे, उनके पास गए, उन्होंने कहा देखें इसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि सफेद बकरी का दूध पिए आप। उन्होंने कहा तो कोई इशू ही नहीं है, वो जो नूरियाबाद की उनकी फैक्ट्री थी वहां एक सिंधी को बोल दिया उसने कहा साई, और उसने कहा गर्म नहीं कीजिएगा, अच्छा कच्चा ही पीना है, कच्चा ही पीना है बस, उसके आप कपड़ा ढांप ले का कोई उसका बाल वाल बकरी का वो ना जाए बस। वो कहने का भाई मैंने वो ही पिया, उसके बाद से वो चीज ना अब बॉडी के अंदर से बाहर निकलनी शुरू हुई। और कहने के पहले मुझे वॉशरूम जाता था तो स्टूल के बदले झाग निकलते थे। और भाई मैं बताऊं 10 साल हो गए, बेहतरीन काम सेट चल रहा है, बेहतरीन सेहत है, सब कुछ नॉर्मल है, पॉसिबल है। तो जो पुरानी चीज है या हिकमत के, देखें हिकमत का जुज है फितरत, सन्यासी या आयुर्वेदिक या हिकमत ना वो जुज है, उसके साथ चलता है चीज जो है ना, तो वो चीज रूहानियत में भी, रूहानियत में भी एक दफा बड़े शादी से मेरी बात हो रही थी तो कहने लगे दवा या हिकमत का इसका साथ ना जुज की तरह साथ चलता है पैरेलल, अकेला नहीं है, रूहानियत अकेली नहीं वर्किंग करती। और ये मैं बता दूं कि ये जो छालिया होती है ना इसकी जो सफेदी होती है जो वाइट बिट इन द मिडल, इससे जो है आपके अंदर जो है ना जो ये हसनैन भाई बयान कर रहे हैं वो हो जाते हैं पत्थर से या उसको गिट्टे कह लो या जो भी है, वो छालिये से होते हैं बेसिकली, छालिया खाने से होता है। इसलिए जब छालिया काटते हैं तो अंदर का सफेद निकाल के फेंक देते हैं अंदर का। हाँ बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, बहुत सारे हम जैसे छोटे होते थे कि गूदा समझ के खाते थे, नरम नरम सा होता है ना, सख्त और नरम के बीच में। एग्जैक्टली। अच्छा रजा भाई एक बात बताएं कि ये कि कल रात को आपका एक प्रोग्राम आया उस पे आपने 11 मिनट 28 सेकंड पे आपने ये कहा कि शैतान जो है वो अपने अंदर ही है। हाँ। अपने अंदर ही से पैदा होता है। हाँ। समझे ना, तो किसी ने मुझसे कहा कि ये हमने तो सुना था कि शैतान बाहर होता है वो अटैक करता है, तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों इंसान के अंदर है। यस। है ना, जो जैसे हसनैन भाई ने पिछले हफ्ते कहा था कि शैतान जो है वो मायूस इंसान के ऊपर अटैक फौरन करता है, वो मायूसी जहां देखता है वो समझता है ये हमारा कैंडिडेट है उसको दबा, नेगेटिविटी जहां देखता है वहां अटैक करता है। हाँ। एग्जैक्टली। तो जरा से इसको कीजिए, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि शैतान हमारे अंदर है, अगर हमारे शैतान हमारे अंदर है तो उसमें हमारा फिर फॉल्ट किया अगर हमने कोई बुरा काम कर दिया, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। देखें अब इसके लिए जो है जवाब बहुत लंबा है, लेकिन मैं जितना मैं छोटा कर सका और जितना समझा सका मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। अब मामला ये है कि ये आपका अल्लाह ताला कहाँ है इस वक्त,
अगर ये पूछा जाए किसी से कि अल्लाह ताला कहाँ है, ठीक है ना, हम बोलेंगे हर जगह मौजूद है, ठीक है ना। अब जो बोलने वाले हैं, जो बता रहे हैं अल्लाह ताला कहाँ मौजूद है, और पूछने वाला, वो अपने जहन से सोच के या दिल की यानी कि कैफियत से या अपनी ज़बान से कह रहा है कि अल्लाह ताला कहाँ है, तो फिर दूसरों ने जवाब दिया हर जगह मौजूद है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया, बताया गया, पढ़वाया गया, और तमाम आसमानी स्क्रिप्चर्स के अंदर हर जगह ये चीज़ मौजूद है। अब जो है, अगर ये पूछा जाए कि एक आदमी पागल है, उसकी सोच काम नहीं कर रही, उससे पूछा जाए अल्लाह ताला कहाँ है, बोलेंगे जी उसकी तो सोच ही काम नहीं कर रही, उसको क्या पता अल्लाह ताला कहाँ है। तो इसका मतलब एक चीज़ कॉमन आ गई है कि आपकी सोच के अंदर हर चीज़ बसती है। चांद कहाँ है इस वक्त? वेयर इज द मून? अगर पूछा जाए शहजाद भाई से, चांद कहाँ है? आसमान में। आसमान में, ठीक है ना जी। बताया किसने आपको आसमान में? मेरे जहन में पहले आप, से है, आपकी याददाश्त में मौजूद है, यानी कि आपके सोच में आ गया। शैतान एग्जैक्टली सेम चीज है। तमाम आलम, तमाम मकान, मकाम यानी कि प्लेसेस एंड स्टेट्स। आलम जो है बेसिकली स्टेट है। अब यहाँ पे आलम हम अगर हम बोलते हैं तो लोग जो है उसको फौरन जो है, अब हम यहाँ से उठ के जी मैं आलम अरवा में जा रहा हूँ, शहजाद भाई इंतज़ार कर रहे हैं कि शाह साहब यहाँ से उठेंगे, नीचे जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, कहीं उतरेंगे, पहाड़ की तरफ चलेंगे, और फिर जो है उठा के जो है क्या कहते हैं उसे, वहाँ से तय्युल अर्थ करेंगे और दूसरे आलम में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। आलम सारे आपके दिमाग के अंदर मौजूद है। रूहानियत में जो है, रूहानियत का नाम ही स्पिरिचुअलिज्म है। स्पिरिचुअलिज्म है, एंड दिस एवरीथिंग दैट कम्स विद इन योर सोच और इन योर ब्रेन और इन योर थॉट प्रोसेस और थिंकिंग, दैट जो है दैट मार्क्स के ये चीज आपकी सोच में बसती है। एक आदमी ने चांद ही नहीं देखा, उससे पूछोगे चांद कहाँ है? उसके लिए वो एग्जिस्टेंस चांद की सीज हो गई है। जो लोग पायस, पाक, नेक होते हैं, उनकी सोच नेक होती है, कल्प साफ होते हैं, शैतान उनके ऊपर अटैक नहीं करता। एज वो जो साहब आपको कह रहे थे कि अटैक करता है बाहर से, अटैक नहीं करता। चीज ये कि वो आपके अंदर ही मौजूद है और आप ही से काम लेता है। मसला ये है। तो इसका मतलब, तो इसका मतलब ये शैतान भी और हक भी, दोनों चीजें अंदर ही है अपनी तरह। सब कुछ आपके अंदर है, सारा इल्म, सारी दुनिया, सारा जन्नत दोजख का हिसाब, सब कुछ आपके अंदर मौजूद है। सिर्फ खोज वाला होना चाहिए कि खोजी बने और ढूंढ ले उसको। आदमी अल्लाह को ढूंढता है सड़कों पे रुल के, सड़कों पे रुल के नहीं, आपके अंदर से ढूंढते हो अल्लाह को। अल्लाह ताला बाहर नहीं मिलता किसी को। जिन लोगों ने क्या कहते हैं उसको, अब इसको कैसे बताया जाए कि जो कलंदर थे, उन्होंने हज़रत अली की ज़ियारत हुई, हज़रत अली आ गए जिनके पास ना, खुद बजात बनफ्स नफीस, ठीक है ना जी, जी। सोच में और वजूद में दोनों में आ गए वो। यानी कि सोच में ये होता है कि आंख बंद की हुई हो, या गुनूद में, या ये कि एक आदमी उनको देख रहा है जो कलंदर था, बाकी चार आदमी उनके साथ बैठे हुए देख नहीं पा रहे, वो सोच के अंदर है। मगर अगर वो वजूद में आ गए ना, तो सब देखेंगे, तो सब पांच के पांचों देखेंगे, पांचों के पांच या दस के दस, जितने लोग बैठे हैं सब देखेंगे। अब वो भले उस कलंदर की तवस्सुत से देखें, ठीक है ना, या ये कि हजरत अली खुद अपने आप को दिखाना चाहे। बाकी जितनी चीजें हैं, सारा इल्म, सारा यानी कि स्पिरिचुअल सिस्टम, यह आपकी सोच में बसता है, और ये सोच में बस के आपके कल्प पे हावी हो जाता है, और जो कल्प पे हावी होता है तो वो पाक कर देता है। जब वो पाक हो जाता है कल्प, तो फिर इसका मतलब ये कि आपकी सोच साफ हो जाती है, और फिर आप सोचने से, जब कल्प पाक हो जाता है तो सोचने से आप यानी कि यू नॉट एग्जेम्प्टेड बट यू कांट थिंक देन, सोचने का वो ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि आप बेसिकली आप अंदर से जो है वो यानी कि कंटेंट कह लो, या ये कि आप देख चुके होते हो उस चीज़ को जो आप यानी कि स्पिरिचुअल सिस्टम को, तो फिर वो जो है, फिर वो शैतान भी अंदर है, सब कुछ अंदर है। जबी तो ये क्या कहते हैं उसको, जो वाइज सेजेस, फकीर, फुकरा, औलिया अल्लाह, इनके कैसे ये बाहर नहीं ढूंढते थे, ये अंदर से ढूंढते थे खुदा को, ये अंदर से ढूंढते थे खुदा को।
ये मसला है। तो सारी चीजें अंदर हैं आपके। अब शैतानी शैतानी काम से मतलब शहजाद साहब अभी सोचें कि मैं यहां से उठ के क्लब चला जाऊं, है ना, तो ये अंदर से पैदा हुआ है। कोई ये तो नहीं कि क्लब वाला इनको दावत दे रहा भाई तू इधर आ जी, है ना, ये चीज है कि इट्स ऑल फ्रॉम इनसाइड। बाकी हसनैन भाई थोड़ा और इसके ऊपर लाइट मारेंगे, रोशनी। जी हसनैन भाई, भाई देखें मैं आपको ये बात बता दूं कि जो हम इस कायनात में खल्क किया इंसान को, उसके अंदर शैतान का या बदी का लफ्ज बदी इस्तेमाल कर ली, उसका तस्वुर हर मजहब के अंदर मौजूद है। और अगर कहीं मजहब नहीं है तो गुड और बैड, यानी कि अकल इंसानी के मुताबिक वो फैसला करेगा अल्लाह जो है, ठीक है। आप देखें जो कुरान के अंदर लफ्ज शैतान सवाल किया गया कि शैतान जो है, तो वो एक बड़ी पिक्चर है। क्योंकि देखें अल्लाह ने जब ये सब मामला हुआ तो एक तरफ जो है खालिक ने इंसान को खल्क किया और शैतान मौजूद था पहले से, वो जिनों में से था। कुरान ने उसको कहा काना मिनल जिन, कि वो जिनों में से था, इब्लीस जो था। अच्छा, और देखें लफ्जी इब्लीस का मतलब भी जो है वो ये है कि मायूस हुआ हुआ। Oh, I see, yeah. परेशान परेशान। लफ्ज इब्लीस का मतलब है मायूस हुआ हुआ। और जो कुरान ने इस्तेमाल किया कि जब रसूल करीम की विलादत हुई तो जब शैतानों का जो सूरज जिन के अंदर है कि हम शोला मारते हैं, एक शाह साकिब मारते हैं, क्योंकि शैतान शयातीन ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं कि वहां से सुन के रहें। उससे पहले तक एक्सेस था तो वहां जाते थे, मलाइका की गुफ्तगू सुनते थे और आके काहिनों को या जो पेशेंट गोइंग करने वाले लोग थे उनको बता दिया करते। जब रसूलुल्लाह की विलादत हुई तो ये सिस्टम अल्लाह ने बंद कर दिया। अब मलाइका की बात सुन नहीं पाते, शैतान चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कुरान ने ये कहा कि हम वो जो है शहाब साकिब जो है वो इनके ऊपर फेंक के मारते हैं, यानी आग को आग से मारते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये नीचे ही रहते हैं, यानी उसी मदार में रहते हैं, तो ये बात सुन नहीं पाते जो मलाइका गुफ्तगू करते हैं। एक ठीक, तो देखें अल्लाह ने इंसान को खल्क किया और इंसान के बाद औरत को खल्क किया, शैतान ने बहकाया। तो क्रिश्चियनिटी में एडम जैपल का तस्करा है और इस्लाम जो है वो गंदम की बात करता है, मतलब ये इस तारे में बात की जाती है। अब मसला ये है कि जब रसूलुल्लाह की विलादत हुई तो इसने आह मारी, कहते हैं आह मारी मायूस हो गए कि अब मैं आसानी से इंसानों को बहका नहीं सकूंगा। तो इब्लीस का मतलब है मायूस हुआ हुआ, ठीक है। और उसके बाद से आप ये देखें कि इंसान इंसान का दुश्मन है, मर्द मर्द का दुश्मन है, मर्द औरत का दुश्मन है, शैतान इन दोनों का मुश्तरक दुश्मन है और औरत औरत के दुश्मन है। ठीक है, अजीब केमिस्ट्री है, ठीक है। अल्लाह ने सारी बातें अच्छा बुरा सब बता दिया, आपके अंदर मौजूद है, यानी वो मेमोरी चिप बोलें, आप उसे कुछ डिवाइस बोलें, वो आपके अंदर है, ये खैर है और ये शर है। एक बात खारजी तौर पर जिस शैतान का तस्करा कुरान हकीम के अंदर मौजूद है उसके अंदर अल्लाह का मुकालमा पहले पारे के अंदर मौजूद है। अल्लाह से उसने ये कहा कि मैंने तेरी इतनी रिब, मैं इसको बहकाऊंगा, उसने कहा तू नहीं जानता। फरिश्तों ने कहा, उसने कहा जो मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। उसने कहा इससे पहले मखलूक ने बड़ा फसाद पैदा किया है जमीन के ऊपर, तो अल्लाह ने कहीं डिनाइल नहीं किया कि बहुत ज्यादा लड़े हैं, जिन्नात भी लड़े थे, एक इंसान जैसी एक चीज थी वो ननास कहलाती, कहते हैं वो उल्टा लटकती थी चमगादड़ों की तरह। हम जैसे हम इंसान हैं, क्योंकि हजरत अली से किसी ने पूछा कि आदम से पहले कितने आदम थे, तो उसने कहा आदम। उसने दोबारा पूछा कहा आदम, तिबारा पूछा कहा आदम, उसने कहा 40 मरतबा भी पूछेगा तो मैं कहूंगा आदम ही थे। क्या बात, ये एवोल्यूशन प्रोसेस है जो हमारे साथ है। ठीक, तो अब देखें इसके अंदर अल्लाह का जो मुकालमा हुआ, उसने कहा मैं इनको तेरी जो मखलूक बनाई है इसको बहकाऊंगा, तो उसने कहा कि हाँ तू बहकाएगा, लेकिन जो मेरे मुखलिस मेरे खालिस बंदे हैं उनको तू नहीं बहका पाएगा। ये अल्लाह का कलाम है, ये ऐसे ही आयतें हैं, ऐसे ही तर्जुमा है। और ये कहा कि जो तेरे जो तुझसे बहकाए हुए लोग होंगे उनको मैं जहन्नुम में फेंक दूंगा, और मेरे जुजलाल अल्लाह ने अपने जुजलाल की कसम खाई और कहा कि जो मेरे खालिस बंदे हैं जिनको तू बहक उनको नहीं तू बहका पाएगा, उनको मैं जन्नत में भेजूंगा और जो उनको तू बहकाया उससे जहन्नुम में भेजूंगा। अच्छा, अब जो सवाल पैदा हो गया कि हम जो मैं हूँ, मैं हसनैन है, शहजाद हैं, फलाने हैं, ढिकाने, अब ये जो रजा भाई ने बात बोली हमारे अंदर होता है, हमजात जो है वो भी शैतीन है। सूरह मोमिन की आयत है औजु बिल्लाह औजु बिका मिन हमजात शैतीन, कि मैं अल्लाह
मैं पनाह मांगता हूँ कि इन हमजाद से ये मेरे करीब आए। अच्छा, हमजाद भी शयातीन की फॉर्मेशन, गो ऑन लैट, ठीक है जी। ये भी आपके साथ होता है, ये आपकी नाफ से इंटेंजिबल एक चीज होती है, दिखती नहीं है वो, लेकिन आपकी नाफ के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। उसका मैं सिम्टम भी बता दूं, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सो रहे होते हैं लेकिन आपने खड़बड़ा के चौंकते हैं या आपको एक थरथरी सी आ जाती है, वो इंडिकेटर, हाँ चौंक सोते सोते अजीब तरीके से, जी जी, वो इंडिकेटर हमजात की होती है, आपके अपने हमजात की, क्योंकि वो भी इन एंड आउट करता है। एक बात, दूसरी बात ये कि ये भी तफसीर में और उलमा ने और हदीस अली ने भी लिखा कि शयातीन अंडे बच्चे करता है, उसके बच्चे अंडे इस तरह से प्रोडक्शन होती है और वो ब्लड के साथ दौड़ता है। अच्छा, आपके अंदर होता है, आपके अंदर है, खारजी तौर पे नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर पे तो उसकी भी प्रोडक्टिविटी हुई है, उसकी भी मतलब जब आप समझे नस्ल इंसानी के साथ उसकी नस्ल बढ़ी है, जिन है ना, तो कोई और मखलूक थोड़ी है, तो जिन में से, तो उसकी भी हुई है। वो जो एक इस्तारा है बड़ा, इसका जिसका नाम इबलीस है, कुरान ने इबलीस कहा, शैतान कहा, शैतान तो बेसिकली वो तमाम कार्रवाइयां हैं जो सारी बदी है, उन सबको नट शेल में शैतान कर दिया है, जो बुराई की तमाम कार्रवाइयां हैं उनका नाम है शैतान। जो एक्चुअल जिसका मुकालमा अल्लाह के साथ हुआ वो उसका वो इबलीस था, जिसका ओरिजिनल नाम था अजाज़ील, जी वो मुकालमा। अच्छा, उसका वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर जो अल्लाह के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा मैं नहीं सजदा करूंगा इस मिट्टी के खनखनाते हुए पुतले को, तो देखें वो जो वो एक एंटिटी है, वो हुमा शुमा के पास बहकाने नहीं जाता। उसका मर्तबा तो जनाब अंबिया आइमा इस लेवल का है, क्योंकि उसका मुकालमा तो डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। मेरे आपके मर्तबे का नहीं है वो। अच्छा, क्या बात कही है, ये हमें नहीं पता था। ये आप समझ लें, उसका मर्तबा ये नहीं है कि हसनैन को आगे बहकाएगा, उसका मुकालमा आप खुद सोचे ना, उसका मुकालमा तो अल्लाह के साथ हुआ है जी, डायरेक्ट वन टू वन। उसके अंदर आप देखें कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है, कोई इमाम नहीं है, कुछ नहीं है, वो है और डायरेक्ट अल्लाह है। और अल्लाह ने उसको छूट दी भी है, कुरान में आए थे, कब तक की छूट है, जब तक यौमे मालूम की, जब तक मुर्दे दोबारा खड़े ना हो जब तक तुझे छूट है, बहकाए जा। तो जो उसकी आल औलाद है जो और शयातीन है, वो खैर और शर हमारे अंदर है, हमें पता है कि अब मैं कोई गलत काम है, अल्लाह ने भी बता दिया, क्रिश्चियनिटी में भी बता दिया, इस्लाम में भी बता दिया, हिंदुइज्म में बता दिया। अब आपके अंदर से एक चीज उठती है ना कि भाई मैं शराब पी ली, भाई मसरूर भाई तो मुझे दे रहे हैं तो मैं मना कर रहा हूँ ना कि भाई मैं कलमा गुआहूँ मैं नहीं पीऊंगा, ये हराम। या ये कि आप हिंदू हैं तो आप कहेंगे भाई धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमारा, क्रिश्चियनिटी में भी तमाम ऐसे इस्लामी मजाहिब में ये चीज सही नहीं है, चोरी करना या डाका डालना हर जगह मना है, ये कहीं नहीं है कि चोरी करें तो बड़ा सवाब होगा, किसी मजहब में नहीं है, डाका मार दें आप, तो बुनियादी तौर पर ही हमारे अपने अंदर है, खारजी तौर पर नहीं आता। वो जो एक वो एक टेल वो एक स्टोरी भी है ना बच्चों की, एक ब्लैक वुल्फ होता है और व्हाइट वुल्फ होता है, कि आप जैसी गजा उसको खिलाएंगे वही तगड़ा होता जाएगा आपके अंदर। बिल्कुल सही, आप शर की बात करेंगे तो वो चीज तगड़ी होगी। जो तसव्वुफ में जो बुनियादी रियाजतें हैं वो बात ये है कि आपको पाकीज़गी की तरफ लेके जाती है ना, खुराक में भी, आपके अफ़ाल में भी, कि भाई आपको बुरा, आपको सोच पे भी पहरा होता है, आपका जो पीर है उस्ताद है वो आपकी सोच भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। मतलब ये आपको ये नहीं कह रहे होते कि भाई बता देते हैं, जो रसूलुल्लाह का पैगाम है, शरीयत है, वो तो सबको पता है ना कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, पीर भी उसी के अंडर चलता है, उससे बाहर तो नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है कि शराब की बोतल ला रहा हो तो उसे शरबत में तब्दील कर दे, ये तो कमाल है उसका, मसला नहीं है, ये कोई मसला नहीं है उसका। लेकिन बुनियादी तौर पर जिस सूफी जिस उस पे प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि देखें सोच खुदा ना खासा है, देखें आप रियाज कर रहे हैं, आप वजीफा भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच पसमानदा है, आपके जहर में तो मसरूर भाई के पैसे मारने का ख्वाब है आपके दिमाग में चल रहा है, तो बेसिकली वो वजीफा वो पॉजिटिविटी नहीं पैदा करेगा, आपके अंदर की शैतान की वजह से वो नेगेटिविटी में जाएगा। क्या बात कही आपने, बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट।
अच्छा एक चीज बताइए मसरूर भाई, एक मिनट सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपके हसनैन भाई की बात से, एक बात जो बहाव में जो आवाज आती है, सवाल ये सवाल जो है ना बेसिकली हमारे लेवल का, यानी कि मेरे लेवल का या मेरे डैड का तो लेवल खैर अनटचेबल है, बट मेरे लेवल में जो है ना ये सवाल जो है ना जो हसनैन भाई बता रहे हैं सारी चीज़ें और जो पूछा गया है ये बहुत यानी कि कॉमन सा सवाल है, कॉमन सा मतलब यानी कि आम फहम सवाल है कि मौलवी हजरात या ये कि पेश इमाम जो जुम्मे के खुतबे में, ये सारी चीज़ें वहाँ पता चलती हैं। सवाल यहाँ ये नहीं बनता, सवाल जो है ना हमारे लिए जो बनता है, अल्लाह जब हम कलाम हुआ शैतान से जी, हमें पता है किसकी आवाज यूज हुई होगी, सवाल ये भी सवाल नहीं बनता क्योंकि ये तो खुद पता है जवाब है इसका। सवाल ये पैदा होता है कि जब शैतान बोला उसने किसकी आवाज यूज की, सवाल ये बनता है, ये है मेरे लेवल का सवाल, समझ में आया कि जब वो हम कलाम हुआ तो उसने किसकी आवाज यूज की, क्योंकि शैतान जब, हाँ क्योंकि खुदा जो है जब भी आवाज में या किसी फिजिकल फॉर्म में आता है तो मौला कायनात की फिजिकल जो वो है प्रेजेंस यूज करता है आवाज में, निगाह में, हाथ में, दस्त में और फिजिकल फॉर्म में हजरत अली की। शैतान ने किसकी यूज की या अल्लाह ने किसकी यूज करवाई, ये है सोचने वाली बात। दिस इज द लेवल आई थिंक ऑन, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। हाँ ये है समथिंग फॉर मी टू थिंक अबाउट टू फाइंड आउट, दिस इज वेयर द नॉलेज किक्स इन, के हाँ ये जो बहाव है ना जो ये जवाब आते हैं मुझे, ये है इन चीजों के सवाल चाहिए मुझे, दिस इज द थिंग दैट इंटरेस्ट मी, क्योंकि चीज ये कि व्हेन यू स्टार्ट ड्वेलिंग बोथ द प्लेसेस ना, जब आप दोनों, अब ये नहीं कि कोई वहां जाके घूम फिर रहा है ड्वेलिंग का मतलब वहां जाके कोई सूफी डांस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट जब आप यू टच दैट एरिया ना, क्योंकि टच ही कर सकते हैं क्योंकि बॉडी है जल जाती है भाई उधर जाके, ठीक है ना, हम इतने बड़े तो है नहीं, बस वो इतना ही है कि सुन सुना लेते हैं, देख दिखा लेते हैं, दैट्स इट। जब वो चीज ये कि व्हेन यू स्टार्ट टचिंग दैट सोर्स ना, तो उसके अंदर ये होता है कि वहां की चीजें ज्यादा इंट्रीक करती हैं बनिस्बत यहाँ गुना सवाब के। हमारे अब्बा के मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा, मसरूर भाई तो गवाह हैं चीज के, कि जी क्या कहते हैं उसे, मैं बदी कहते हैं पीते हैं तो पीने दो, हमें क्या है, है ना, जब हिदायत आएगी तो खुद ही छोड़ देगा, यही कहते थे ना, जब हिदायत आएगी अल्लाह की तरफ से सो ही विल लीव इट हिमसेल्फ, ये चीज है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि आवाज कौन सी थी, ये मेरे को नया सवाल दिमाग में चला है, ठीक है ना, कि वो ये उसने कौन सा आवाज यूज की शैतान ने ना। हसनैन भाई इसमें कुछ जवाब है आपके, आपका कोई क्या पॉइंट ऑफ व्यू? कोई पॉइंट ऑफ व्यू किसी का नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये सवाल ही निराला है, सवाल ही निराला है। अब अगर उसको सियासी बयान दे देते कि जी अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी आवाज की, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने उसको तो ताकत दे दी, मगर अल्लाह ताला खुद क्यों नहीं अपनी आवाज में बात करता फिर, सोचने वाली बात है ना, क्वेश्चनेबल चीजें, क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलते हैं भाई, हम इंसान हैं, तजस्सुस हमारे इसके अंदर मौजूद है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, ये चीज है ना, वी हैव द सीड ऑफ क्यूरियोसिटी, वी वर बोर्न विद इट, ह्यूमन है ना ये। जी हसनैन भाई बोलो, सॉरी भाई, देखें शैतान का तो जो उसका मामला है वो तो फिजिकल फॉर्म में था ना, जिन था, मलाइका तो नहीं था, वो तो जिन था, फॉर्मेशन तो उसकी जो भी कोई आग की थी वो मौजूद थी, तो उसने वहां से गुफ्तगू की, और जो मलाइका साथ में थे, क्योंकि उसके लिए जो लफ्ज जो कुरान ने कहा काना मिनल जिन, यानी कि ये जो था ये इब्लीस जो था पहले ही पारे में है, उसमें खास तौर पर अल्लाह ने डिफाइन किया कि मलाइका मलक नहीं था, ये जिन था, कहा कि काना मिनल जिन, जिनों में से था, तो जिन की तो फिजिकल फॉर्मेशन मौजूद थी, तो उसको तो बात करने का कोई इशू ही नहीं है। अच्छा अल्लाह का मसला ही, अल्लाह के लिए मामला ये है कि वो फिजिकल फीचर कोई ले ही नहीं सकता, वरना अल्लाह नहीं होगा, जाहिर सी बात है अगर वॉइस भी क्रिएट करेगा तो उसके लिए कोई जिस्म चाहिए होगा, उसको वो जिस्म ही लेगा अपना। इसी वजह से आप देखिए जितने सेमिटिक रिलीजन है उसके अंदर ये बात नोटिस कीजिए, जिब्रील अमीन का है मर्तबा वही लाने का सोर्स, एक ही फरिश्ता है जो इस काम पे मामूर है, तो उसकी तो बॉडी मौजूद थी, क्योंकि ये जो जिन था बच्चा जब ये उठाया गया यहाँ से, और वहां मलाइका को जाके इसने इबादत इतनी रियाजत की कि वो मौलमुल मलकूत हो गया, नहीं तमाम
आप समझे कि प्रिंसिपल हो गया, मलाइका को पढ़ाने लगा, जिन था उसके तो फिजिकल फीचर्स मौजूद थे ना, जिनके जो भी थे जैसे भी होंगे, उसके लिए तो गुफ्तगु करना कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये कहा जाए कि मैं अगर रात को बैठ के आज डिसाइड करूंगा 12 बजे कि मैंने क्लब जाना है, तो मेरी सोच के अंदर से शैतान बोल रहा होगा फिर, यानी कि जिन बोल रहा है। तो इसका मतलब एवरीवन इज पोजेस्ड भाई, वो तो हमारे साथ है ना, हमारे साथ हर एक के साथ खल्क किया गया है शैतान। हाँ, वो हमजात है। आवाज नहीं है जिन की, आवाज नहीं है जिन की, आवाज नहीं है जिन की, क्योंकि जिनकी इतनी जरूरत, एक मिनट, कहते हैं ना जिनकी का पनाह मांगो कि इससे हमजात से कि तुम्हारे करीब आए। नो नो नो, हेलो, आवाज आ रही है? नहीं जी आ रही। ये बात जो है ना, ये अच्छा बेटे इंसान, ये सेटल नहीं हो रही, ये हजम नहीं हो रही। अच्छा मसरूफ भाई, असल में मसला ये है कि हम एक इंसान, हम जब ये बात करते हैं ना कि वो शैतान, असल लोगों के जहन में वो शैतान है जो मैंने पहले जिसका किया कि जिसका 1-to-1 मुकालमा अल्लाह के साथ है, ठीक, उसको साइड में रख दें। हम जो इंसान हैं, हमारे साथ 7 तरह की चीज खल्क की गई है। जो एक इंसान साथ लेके घूमता है, उसमें जिन भी है, उसका करीन भी है, उसके मलाइका भी है, साथ हैं ये जो जी। क्योंकि कुरान में ये कहा कि जब हम मौत नाजिल करते हैं किसी आदमी के ऊपर, कुरान की वो आयत है, मैं कोट कर दूंगा, क्या जब हम मौत को नाजिल करते हैं तो जो हिफाजत करने वाले फरिश्ते होते हैं उनको हटा लेते हैं, उठा लिए जाते हैं, क्योंकि फिर हिसाब किताब कैसा? तो मतलब हम सात चीजें लेके घूमते हैं। अच्छा, हिसाब किताब का मसला ये है कि हमें अच्छा और बुरा जो शरीयत है, जैसे हम कलमा पढ़ते तो हमें बता दिया गया है कि भाई ये अच्छा है ये बुरा। अब फैसला इस बात पे होगा कि आपको बता दिया गया था और आपने अमल नहीं किया। जबरदस्ती तो नहीं है ना, देखिए जबरदस्ती नहीं है। जो उसने कुरान हकीम में सूरह काफिरून में कहा ना, लकम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, कि आपको हिदायत बता दी गई है कि ये अच्छा है ये बुरा है। चावल रात को खाओगे तो भाई गैस बन जाएंगे, चपाती रोटी खाओगे रात को गैस नहीं बनेंगे। अब आपकी मर्जी है, खाना चाहते हैं तो आप खा लीजिए भाई, स्ट्रेट सी बात है। सही। तो ये अच्छा, इसी वजह से देखें, अल्लाह ने जो कोई, देखें इंसान है उसके बहुत सारे सवाल आते होंगे। जब जो कुरान नाजिल हुआ वो आसान जबान में नाजिल हुआ और अरब के बुद्धुओं पे नाजिल हुआ। मैं तो डॉक्टरेट हूँ, आप मास्टर्स हैं, वो भी मास्टर्स हैं, शहजाद की ग्रेजुएशन तो किया होगा, हम लोगों की अकल तो बहुत ज्यादा है। अरब के बिल्कुल बुद्धू थे, ऊंट बकरी चलाने वाले, उनके दिमाग के मुताबिक कुरान नाजिल हुआ, यानी बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा, उसमें भी कुरान में खुद कह रहा है कि हमने क्या खोल खुल के बयान नहीं किया, आसान अल्फाज में बयान नहीं किया, तो तुमको समझ में नहीं आता। तो आप देखें, उसमें भी रसूलुल्लाह परेशान होते थे, जो भी रजा भाई ने बात की कि देखें वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो करने दो भाई, हिदायत आएगी तो रुक जाएगा। तो आप देखें, रसूलुल्लाह को अल्लाह ने ये कहा कि ए रसूल, तुम जो हमने तुमसे कहा कि तुम सिर्फ इनको पैगाम दे दो, इनके गम में दोहरे मत हो कि ये ईमान क्यों नहीं ला रहे, ये तो हम चाहते हैं कि जब ये ईमान लाएंगे, ये हमें मालूम है कब ईमान लाएंगे, तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हिदायत तो हमारी तरफ से नहीं। तो फिर कुरान में अल्लाह ताला ये क्यों फरमाता है कि मैं उसी को हिदायत देता हूँ जो मुझसे हिदायत मांगता है? हाँ, तो यही बात है ना, हिदायत तलब करेगा तो हिदायत होगी ना, वो उसे कहे कि मुझे सीधे रास्ते, हम ये जो अनमता अलहिम गैर मकजूब है और सब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसी से तो कहते हैं कि तू ही मदद दे। ये जो बार बार पांचों नमाजों में बार बार कहते हैं ये बात, ये तेरी तरफ से मदद है, तेरी तरफ से राहत है, तेरी तरफ से मामला है, और फिर कि हमको उनके रास्ते पर चला, ये बात कहते हैं उसे कि हमको उनके रास्ते पर चला जिन पर इनाम नाजिल हुआ था। तो मैं हमेशा लोगों से बातें करता हूँ कि आपके अंदर खुद तजाद हो जाता है, आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं फिरौन जैसी और आखरत चाहते हैं मूसा जैसी, क्योंकि जिन पर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया वो रसूलुल्लाह थे, हजरत अय्यूब थे, हजरत यूसुफ थे, नाम यू नेम इट, इमाम हुसैन थे, हजरत अली थे, इमाम हसन थे, बड़े बड़े उलमा गुजरे, यही देव थे ना जिन पर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया। तो भाई उनकी जिंदगी तो सख्ती में है,
तो मसला ये है कि आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें उन पर रख जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, गजब वाले लोगों में नहीं रखना, तो आप तो मुनाफ़त करते हैं फिर अल्लाह के साथ। तो कहां से हिदायत हो फिर? हिदायत आएगी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मुनाफिकों पे देखें दो मकाम पे कुरान हकीम में लानत की। लानत का मकसद ये है कि फजल से महरूम कर दे, महरूम कर लानत का लानत का लुग़वी मतलब यह है कि जो अल्लाह अपने फजल से यानी अपनी नेमतों से महरूम कर दे, फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल नेमतें हैं, आप उसके अंदर खास बात देखें कि दो चीजों पे लानत है, मुनाफिकों पे लानत और झूठों पे लानत, कुफार पे मुशरिकीन पे फलाने पे ढिकाने पे नॉन मुस्लिम पे किसी पे लानत नहीं, झूठे पे लानत है और मुनाफिक पे लानत है। आप ये खुद इस बात गौर करें कि जब हम जो बात कहते हैं अल्लाह के सामने बार बार कहते हैं कि हिदायत तेरी तरफ से, हम हिदायत लेने के लिए खड़े हैं, इनाम याफ्ता लोगों में रखना, लेकिन एक्शन नहीं करेंगे। और इल्जाम वो है ना, वो जो शेर था कि कारे बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर, तो ये कुरान में मुकालमा भी है कि शैतान को आखिरत पे पूछा जाएगा कि तूने इनको बहकाया, वो कहेगा मैं क्यों इनको बहकाऊंगा, ये तो खुद काफी थे अपने लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अमल तो तभी होगा जब आपको यकीन होगा, तभी तो अमल करोगे, जब जब अल्लाह के होने पर यकीन हो जाए ना कि ईमान इल्म ये चीजें इंटर रिलेटेड है, तो पहले तो ईमान हो उसके एग्जिस्टेंस का। डेफिनेटली पहले तो उसका ईमान करे ना, जिसका ईमान करे जिस पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले तो ये बात बोले मोहम्मद रसूलल्लाह जिसने पहुंचाया, पहले तो उसके होने का आप ये बात अपने शऊर में वो कह रहे हैं ना, नहनो अक़रब मिन हब्लिल वरीद, वो सादी ने कहा था ना कि तस्बीह के दाने घुमाने से कुछ नहीं होगा अगर यकीन नहीं है। अच्छा बात थोड़ी सी मैं बैक ट्रैक करूंगा, वापिस उधर लेके आऊंगा जहां से वो कट हो गया था, उस मुकालमे की बात हो रही थी जो शैतान का हुआ था अल्लाह के साथ। आपने कहा, हसनैन भाई ने कहा कि वो जिन था, जो शैतान है वो बेसिकली फायर से बनी हुई मखलूक था, गैब की सारी मखलूक को जिन के अंदर एक कॉम्पोजिट जो है बोला जाता है, सवाए मलाइका फरिश्ते तबा तबा इनके। बाकी ये कि मलाइका के बारे में एक बात बता दूं, वो क्रिएट होते हैं एज नीडेड और डिसइंटीग्रेट होते हैं एज नॉट नीडेड, कोई ये नहीं कि घूम फिर रहे होते हैं आसमानों में, कोई बाग लगे हुए हैं या कोई नहरें बह रही हैं या कोई वो जो है सब्जो सादाब है या पार्क में चला जाऊँ, वो जहाँ पर ज़रूरत होती है वो वहाँ मौजूद होते हैं। इनके मैंने पहले भी कहा था आई थिंक इन वन ऑफ द प्रोग्राम, स्पायरल बने हुए होते हैं इस जहाँ से उस जहाँ में, रोटेशनल स्पायरल, क्योंकि कोई भी चीज़ सीधी आएगी ना तो वो तोड़ देगी किसी चीज़ को, स्पायरल में होगी तो वो अपने स्पीड से आएगी और उसकी क्या कहते हैं उसको, एक इट्स लाइक अ रेसिंग ट्रैक, समझ में आ रहा है मुझे, इट्स लाइक अ रेसिंग ट्रैक, तो वो उसी स्पीड में आ सकते हैं जिस स्पीड से वो जाएंगे, यानी कि पूरे देश में उसी स्पीड से जाएंगे जिस स्पीड से आएंगे। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो टाइम यहाँ लगता है उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक दफा मलाइका या मौकिलात जो हैं जब वो इस हेमिस्फीयर में आ जाते हैं, आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल वर्ड्स के थोड़ा समझ जाने के लिए क्योंकि सब यूथ बैठी है, चीज़ ये कि जब वो इस हेमिस्फीयर में आ जाते हैं तो उनके ऊपर टाइम का कानून इम्प्लाई नहीं होता बट देर उतनी ही लगती है। यानी कि अगर मसरूर भाई दुआ मांग रहे हैं या अल्लाह मुझे जो है क्या कहते हैं कल जो है मेरा जो है 1.5 लाख का प्राइस बॉन्ड निकल आए, उसके बाद मैं 2 प्राइस बॉन्ड और लूं और 3-3 लाख के निकल आए, उसके बाद 3 लूं तो 4 निकल आए, यानी कि वो इस तरह की लंबी दुआ मांग रहे हैं, वो दुआ नोट करेगा आपकी पूरी, क्योंकि हाँ मैं एक बात बता दूं रूहानियत में, और ये हमारे अब्बा को अच्छी तरह पता है, दुआ करने से पहले कबूल और ना कबूल पहले हो जाती है। क्या बात है, दुआ करने से पहले कबूल और ना कबूल होती है, बिकॉज दुआ करने से पहले आपकी सोच के अंदर दुआ होती है। और चीज़ ये कि जब आप जानमाज या तस्बीह पे बैठे हैं बेसिकली दैट इज़ बेसिकली सबमिशन टू द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह और गॉड और ईश्वर और हुएवर इट इज़, भले वो मंदिर में है मस्जिद में, दैट इज़ द सबमिशन, सो यू डू नॉट नीड टू वेट एंड प्रे,
यानी कि रूहानियत में जो डैड के मसरूर भाई को भी पता है, हम जो दुआ नहीं करते कि लंबी चौड़ी बैठ के यहाँ से कि लेक्चर दें लोगों को, लोगों को खुश करने की दुआ नहीं करते, कबूल करने की दुआ करते हैं कि कबूल हो जाए बस। सबसे बड़ी दुआ जो है ना इस वक्त, अगर मैं जो एक बात बोलूं कि आपने जो 10 मिनट 30 मिनट 20 मिनट 50 मिनट या एक घंटा इबादत की है वो कबूल हो जाए, काम होना ना होना वो तो वैसे भी कर देगा बगैर दुआओं के। पूरा पूरा आपका मुसलमानों के अलावा सबके काम हो रहे हैं बगैर दुआओं के, लंबी लंबी दुआओं के, माजरत के साथ। क्यों मसरूर भाई, राइट और रॉन्ग? जी जी, ठीक है, काम हो रहा है, सबके काम हो रहा है। हाँ, तो वी कैन नॉट से जो, हाँ उसका भी काम हो रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स वन थिंग कॉमन के काम तो वो करता है, ठीक है ना। इबादत का तरीका तू अपना ले, अगर तूने कलमा पढ़ लिया है तो कलमे का पास रख। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो सबका काम करता है तो फिर उसकी नजर में हमारी तरफ से तो हमारा ईमान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमान हमारा यकीन बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन वही मेरा यकीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यकीन और ईमान, और फिर उसके साथ जो इस्लाम के साथ एक चीज आती है वो है सब्र। आई कैन वेट, आई कैन वॉक, आई कैन फास्ट, आई कैन फास्ट, तीनों चीजें आपके पास, सब्र होना चाहिए तीनों। अच्छा, आपके वाली साहब ये कहा करते थे कि मसरूर अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता है तो जो दिमाग में आएगा वही तुम्हारी दुआ है, जो चाहते हो वो होके रहेगा। मैंने आपको अभी क्या कहा है, मुझे तो आपने बताई नहीं थी ये चीज, तो इल्म तो अब्बा का ही है ना, इल्म तो अब्बा का ही है, ये चीज है ना कि वो दुआ मांगने से पहले काम हुआ हुआ होता है। बिल्कुल, इस चीज है, इस तरह की ईमान है तो सोचा और वो हो जाता है बस। देखे, मैं आपको इसकी मिसाल दूं खड़ी खड़ी बिल्कुल सामने की। आजकल कभी बच्चा गायब हो गया किसी का, कोई गायब हो गया, कोई भाग गया, कोई भाग गई, कोई गायब हो गया, कोई गुम हो गया, तो हम पढ़ने को देते हैं। अभी वो तस्बीह शुरू करता है और बंदा घर पे मौजूद होता है, दुआ तो मांगी नहीं उसने, है ना। मन्नत क्या होती है? मन्नत भी दुआ की एक फॉर्मेशन है कि ये काम हो तो फिर ये करेंगे पहले से सोच। इसका मतलब ये कि आपने बेसिकली मन्नत मानी कि मैं जो दाता दरबार जाऊंगी या जाऊंगा, अदरवाइज ये हो जाए तो मैं 1,25,000 आयते करीमा पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, या बिस्मिल्लाह का 12,000 करूंगी या करूंगा, ठीक है ना, करूंगा। आपने फ्यूचर टेंस में इन द कमिंग टाइम एक चीज की मन्नत मान ली कि ये काम हो जाए मेरा, दुआ आपने पहले मांगी, कबूल उसने कर ली, ये कैसे होता है फिर? पढ़ा तो है नहीं, पढ़ा तो है नहीं, दाता दरबार भी नहीं गया, वो तो बात का इवेंट है, वो तो बात में करेंगे, सोचने वाली बात है ना भाई। तो इसका मतलब ये कि इबादत में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है जो दुआ मांगने वाली है, जो हम मांगते हैं कि ये एक्सेप्ट हो जाए बस। सबसे मुश्किल काम है इबादत एक्सेप्ट कराना, सबसे मुश्किल काम है। जितने लोग पढ़ रहे हैं सबके साथ ये कह रहा हूं, सबसे मुश्किल काम है। अभी मैं खड़ी हुई मिसाल दे दूं कल की, क्योंकि हमें मसला ये है कि हमें लम्हा लम्हा की गाइडेंस होती है। मेरे लिए इतना ही काफी है, कोई देख रहा है कोई सुन रहा है, ये मेरे डैड के वर्ड्स हैं, ठीक है ना। द मेन थिंग हियर इज के जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, शहजाद भाई ने कल फोन उठा लिए कहीं मेंबर्स के वजाइफ के बीच में, रात को अभी मसरूर भाई से ऑफ एयर बात हो रही थी, रात को असद ने देखा, किसने देखा? शहजाद भाई, असद ने। असद कौन है? मौला कायनात के नाम का लकब है, ठीक है ना, असद ये तो हमारा असद है, लेकिन वो जो है नाम जो है वो लकब है। और चीज ये कि उसने देखा कि शहजाद भाई को 100 पाउंड का फाइन हो गया, इतनी बारीकी है ये पूरे दीन इस्लाम में, सिर्फ ये कि हमें पता नहीं चलता चीजों का। जी, जिनको गाइडेंस होती है उनको लमे लमे की गाइडेंस होती है। अब शहजाद भाई को पता चल गया, मैं कहा चंदा खाना खिला देना हम सबको 100 पाउंड का, यानी कि वो फाइन का मतलब फाइन हो गया है, तो यानी कि इनको फाइन करके छोड़ दिया है, वरना ये कि वो 2-3 दिन की बुराई में डाल देते, यानी कि 2-3 दिन जो है ये पढ़ते और वो एक्सेप्ट नहीं होता। ये भी होता है लोगों के साथ, मसरूर भाई ने शायद देखा हो कि उस जमाने में एक से एक गाइडेंस, इसी को गाइडेंस कहते हैं। लेकिन दिस गोज अक्रॉस द बोर्ड, आइदर यू आर गाइडेड और यू आर अ कॉमन मैन। इफ यू आर गाइडेड यू विल फाइंड आउट, इफ यू डोंट, इफ यू आर नॉट गाइडेड यू विल नॉट फाइंड आउट। मगर इतनी ही बारीकी है सारी इबादत और रियाजत में, भले कुरान पढ़ो
भले आयते करीमा पढ़ो, भले दुरूद पढ़ो, भले एक सिंपल बेसिक अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए नमाज पढ़ो, गलती की गुंजाइश नहीं है हमारे दीन में। देर इज नो यानी कि नो एरिया ऑफ के ठीक है जी गलती कर लो, गलती नहीं होती इसके अंदर, गलत हो जाता है, लेकिन बस इसके अंदर गलत हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ सिंसियरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, सिंसियरिटी तो गलती नहीं होगी। देखें चीज ये है कि मैं बात बहुत टाइम हो गया कह हुए बादशाह के दरबार में जाके आप कुछ और कर लो यार, ये तो तौहीन बादशाहत है ना, खत्म हो गई बात। मसरूर भाई हसनैन भाई सही कह रहा हूँ या गलत? आप बादशाह के बारगाह हाँ, में खड़े होके कुछ हाँ, और करो यार, ये कोई तुक तो नहीं बनता। मसला ये है बुनियादी तौर पर, अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह नहीं मिलेगा आसानी से, क्योंकि हम अल्लाह को वो प्रायोरिटी नहीं देते जो सबसे बालातर है। हम उसे कहीं थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रेड पे बात करने की कोशिश करते हैं, जब तक उसको वो जो खालिक है वो मालिक है उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे वो नहीं मिलेगा। वो बादशाह है, वो हाकिम है, बल्कि मालिकुल मुल्क है। हमारा टेक्निकल इशू जो है वो ये हो जाता है, हम कलमा तो पढ़ लेते हैं उसका, लेकिन उसको उस जगह नहीं रखते। बहुत आसान है उसका मिलना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, वो हर एक के साथ है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस ग्रेड पे वो है, सपोज कीजिए अगर वो ग्रेड 5 पे है, तो जब तक हम ग्रेड 5 पे अपने को नहीं लाएंगे तब तक हम उससे हम कलाम नहीं हो सकते। मसला देखें, मसला जो रजा भाई ने बात बोली ना, वो बादशाह है, वो हाकिम है, उसको वहां बीच में तो जी सास भी है, सुसर भी है, फलाना भी है, ढिकाना भी है, 25 मामला है। जो तसव्वुफ में कहते हैं ना, पहले आप ये अपना दिल साफ करें, इसमें जो बुत है ना जी, वो साफ करें, पहले अल्लाह को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखें। जब देखें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होगा, तो मुझे एक बात ये बताइए कि नमाज कैसे कजा होगी? कि जब किसी ने एक बड़े कोई बड़े बुजुर्ग थे, मैं नाम भूल गया, उन्होंने पूछा मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से हम कलाम हो, वो मुझसे हम कलाम, तो उन्होंने कहा कुरान पढ़ना शुरू कर दो। उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूं, तो उन्होंने कहा नमाज पढ़ना शुरू कर दो। क्या बात। तो अब आप देखें ना कि बुनियादी तौर पे कैसे नमाज कजा होगी, क्या आपको अल्लाह से, हाकिम से, बादशाह से, प्रेसिडेंट से बात करने का मौका मिल रहा है, दिन में 5 दफा मिल रहा है, और आपकी जो प्रायोरिटी वो नहीं है, तो फिर जाहिर बात है वो नहीं मिलेगा। एक मिनट, अल्लाह ताला से बात करने का मौका नहीं मिलना, बोलने का मौका दे रहा है वो आपको। बात करना तो बात करने का मतलब होता है जवाब ले लेना, वो सिर्फ बोलने का मौका दे रहा है आपको 5 नमाजों में। बात करने के लिए कुछ और करना पड़ता है, बात ऐसे नहीं होती अल्लाह ताला से नमाज के अंदर। नमाज के अंदर सिर्फ आपको वो हुक्म है वो सिर्फ पढ़ ही जाती है, क्योंकि वो पढ़ने का हुक्म है, एंड दैट्स इट। और वो बात करने का नहीं है, वो सिर्फ बोलने का मकालमा है कि आप बोलते हो और दैट्स इट। ये पता नहीं है कि वो सुनता है या नहीं, वो एक अलग स्टोरी है, वो वन वे स्ट्रीट है। नमाज के बीच में किसी को आवाजें नहीं आती, इस चीज की गवाही मैं खुद दूंगा, हमारे अब्बा देंगे। नमाज के बीच में कोई आवाज नहीं आती, बिल्कुल बंद हो जाता है, पीछे से साइलेंसर लग जाता है। जब भी मैं एक और बात बता दूं कि जो हमारे अब्बा और हम इतनी जल्दी नमाज पढ़ते थे, इस वजह से पढ़ते थे कि गलती हो गई बीच में तो पता भी नहीं चलेगा हमें गलती हो गई, क्योंकि बताने वाला क्वाइट है, जो बताने वाली मखलूक है वो क्वाइट है पीछे से ना। ये चीज है, ये सारी रूहानी चीजें हैं। और ये मैं एक बात बता दूं मसरूर भाई, मैं कल किसको कह रहा था, शहजाद भाई कोई परचों में समझा रहा था, कल भी मैंने बताया कि ये इसलिए सारी चीजें लाइव बताता हूँ कि जो लोग आने वाले हैं ना मेरे बाद, ठीक है ना, जो इस गाड़ी को चलाएंगे, नहीं चलेगी, क्या होगा, उनको पता हो कि ये इल्म इस तरह चलता है और इसके अलावा चल भी नहीं सकता। ये अगर कोशिश कर लो ना इसको इधर उधर करने की, नहीं चलता। आपको पता है मसरूर भाई, आपको पता है दिस मिस्टिकल सिस्टम हैज ऑलवेज बीन रन लाइक दिस। मेरे फादर ने ऐसे रन किया, मैं भी जैसे मुझे कह रहे हैं मैं चला रहा हूँ। और मैं एक और बात बता दूं, वो शैतान की आवाज का कह दिया, तेरे पे ग्रेड से ऊपर की बात है ये, तो जो उसको भूल जाओ इस वक्त के लिए। वो अभी जवाब आ गया थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं जोर लगाता रहा ना कि मुझे जवाब चाहिए, तो जवाब से तेरे पे ग्रेड से ऊपर की बात है ये, तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट थिंगी, ठीक है ना। अच्छा एक बात ये बताइए कि किसी ने और मुझसे पूछा है कि हर जगह जिक्र है इस बात का कि जो हमारे अमाल हैं, ये जो हम करते हैं, ये सपोज कीजिए हमने अच्छे कोई अच्छा काम किया,
तो उसके लिए जरूरी है कि हम ये नियत करें कि परवरदिगार ये हमने कुर्ब तेरे कुर्ब के लिए किया है, कुर्बतन लिल्लाह, ये कहना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अल्लाह के कुर्ब के लिए अगर कोई काम नहीं करोगे तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। पहले तो मैं इस पे हसनैन भाई से जरा सा वो चाहता हूँ, इस पे रोशनी डाले हसनैन भाई के। देखें बुनियादी तौर पर जो नफिल नाम जो नफिल इबादत है, जैसे नफिल नमाज है या सुन्नत नमाज, तो उसमें तो आप कहते हैं कुर्बतन लिल्लाह का लफ्ज, उसके अलावा जैसे आप अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं सदक़े की नियत से दे रहे हैं, तो देखिए सदका भी बहुत सारी, क्योंकि लव असल में हमारे यहाँ, ये मैं इसलिए खोल के बात करता हूँ, हमारे सदक़े का मतलब ये समझते हैं रद्दे बला के लिए जो बकरा कटाया गया ना वो सदका है, अल्लाह की खुशनूदी के लिए भी सदका दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, रस्क दिया जाता है, जनाज दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखें कुरान में है, वैसे भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, अल्लाह को नियत का इल्म है क्या आप जो ये 5 किलो आम जो है किसी आदमी को दे रहे हैं, मुझे दे देना है, एक किलो मुझे भिजवा देना सिंदरी। तो मतलब इसके अंदर कहना शर्त नहीं है, नहीं तो नियत भी तो अगर हम सोच ही लें इस बात को, अगर हम सोच ही लें, अगर आप नियत कर लेते हैं कि भाई मैं 5 किलो कल आम दूंगा, तो अल्लाह ने तो लिख लिया कि खैर तो पहले लिखता है वो, अब कल जब आप कर देंगे तो लिख दिया जाएगा जो भी कुछ का सवाब लिखा होगा किसी गरीब को दिया है। तो बाज जगह पे वज़ाइफ वाले लोग तो बाज वक़्त मुंह से अदा भी करते हैं इस चीज को कि हम कुर्बतन लिल्लाह दे रहे हैं ये कपड़ा या जूता या वो उनकी अलग कैटेगरी, लेकिन आम लोगों के लिए तो नियत अल्लाह को मालूम है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, रसूलुल्लाह की हदीस है कि अल्लाह जो नियतों से वाकिफ है, आपकी नियत के अंदर जो है दिल में जो कुर्बानी के लिए भी है, उसमें कहा ना कि हमें ना गोश्त, कुरान की आयत है कि ना हमें इनका गोश्त मिलता है, ना इनको खाल मिलती है, ना इनके सिरीपाए मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता, हमें तो तुम्हारी नियत से सरोकार है, क्या बात, जिस नियत से तुम ये करते हो, खालिस नियत चाहिए, यानी अल्लाह के ही लिए है ये। तो ये बताइए कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को अल्लाह पे यकीन नहीं है या अल्लाह को यकीन तो है उसका, मगर उसको ये चीज पता नहीं है, मगर वो नेक काम करता है, उसने कुआं खुदवा दिया, उसने कहा यार ये कुआं खोद दो गाँव में, अच्छा लोगों को वो जाएगा, मगर उसने अल्लाह को का कुर्ब हासिल करने के लिए नहीं किया, या उसने गरीबों को खिला दिया मगर उसने इसलिए नहीं किया कि मैं अल्लाह को खुश कर रहा हूँ, तो क्या उसका एक्शन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा? आई एम टॉकिंग अबाउट एनी अदर रिलीजन, नो 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 अक्रॉस द बोर्ड, नहीं नहीं नल एंड वॉइड नहीं है, मनो सलवा सब के लिए आता है, जो अच्छा करेगा अच्छा होगा। हाँ देखिए खिदमत की कजा नहीं है, आमाल की कजा तो हो सकती है, खिदमत की कजा नहीं, क्योंकि खिदमत में मखलूक शामिल है, मखलूक की खिदमत के लिए हो रहा है, उसका अजर जरूर मिलेगा कोई भी करे। क्या बात है, क्या बात है, तो इसमें कोई कैद नहीं किसी मजहब की, बिलीव की, यकीन की, किसी चीज की नहीं है, उसकी मखलूक की खिदमत, उसकी मखलूक की खिदमत। लेकिन एक मिनट, लेकिन मसला यहाँ ये है कि कल रात ही की मिसाल ले लो कि जो शहजाद भाई को फोन कर रहे थे वो सारे मखलूक थे और ये पढ़ रहे थे या लतीफों का वजीफा, अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? आप तो मिसाल बन गए सूफी गाइडेंस की, है ना? नहीं ये एक मिनट हसन भाई, चीज ये है कि इससे सब सीखेंगे, जो पढ़ रहे हैं सब सीखेंगे, क्योंकि आगे चल के ना जो अभी ये कर रहा हूँ, अगर मसरूर भाई मैं जो चाह रहा हूँ हो गया इस प्लेटफॉर्म पे ग्रुप्स में, तो फिर सबको उसी पैटर्न से वजीफे पढ़ाऊंगा जिस पैटर्न से आपने वजीफे किए हैं अब्बा के साथ बैठ के। जी जी, क्या बात है, उसके लिए मुझे कंट्रोल चाहिए, आई नीड कंट्रोल एंड आई नीड पीपल हु कैन कंट्रोल, हु आई कैन कंट्रोल एंड दे कैन कंट्रोल एज वेल, क्योंकि लोग बहुत है, इतना लोग है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि किस रुख जा रहे हैं। जी बोलो सर हसन भाई, बोलो बोलो चंदा भाई। देखिए बुनियादी बात है ना कि जब आप जो ये वज़ाइफ की लाइन है, वैसे बात कर रहे हैं, वज़ाइफ की लाइन है कि जब आप अल्लाह को पुकार रहे हैं, मुसल्ले पे आप आ गए, यानी ड्यूटी टाइम पे आप आ गए, जैसे आर्मी वाले होते हैं ना, फॉल ऑन हो गया वो, आज तो उसने रिपोर्ट कर दी ड्यूटी पर है, तो अब उसके बाद दाएं बाएं नहीं होगा वो, उस ड्यूटी टाइम के अंदर वो उसी वजीफे को कंट्रोल करेगा पूरा, जो भी कोई 5,000 का है या 10,000 का है, क्योंकि मैं हमारे वाले जो थे वो उसमें बात करना तो बहुत ही दूर की बात है, वो कहते पेशाब पखाना सब करके बैठो,
सब एक अटेम्प्ट में करो और फिर उठो, ये क्या खेल मजाक बनाया है भाई? इससे तो महबूबा, ऐसे तो महबूबा राजी नहीं होती कॉलेज के बाहर, तुम अल्लाह को राजी करने चले? नहीं, वो राजी हो जाती है, चार चार पांच पांच घंटे खड़े रहते हैं एक ही जगह पे और कराची की गर्मी में हो जाती है, तरस आ जाता है। ये जो मसाइल है ना, ये जो वजीफे के अंदर मसाइल, ये बातें ना कि बीच में क्या आप खालिक को पुकार रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, आप वो सारी गुजिन मुअक्किल मलाइका ताबीन तबा ताबीन वो स्टैंड, वो आप समझे, उसकी मिसाल इस तरह से दी जाती है कि जैसे आप वो बाजरा फेंकते ना कबूतरों को, कबूतर मानूस हो जाते हैं, तो ये मखलूक जो नूरानी मखलूक है ये मानूस होती है, ये उतरती है, उसमें जो इंटरप्शन होती है ना, आप देखें कबूतरों को इंग्लैंड में दाना डालने की रवायत है, आप देखें बीच में कोई इंटरप्शन हो जाए फिर नहीं आते वो, फिर काफी देर लगती है उनको वापस उतरने में, जब तक उनका डर खत्म नहीं होता। इसमें हसनैन भाई से एक और सवाल है, अगर वो इंटरप्शन हो जाती है और वो इसलिए नहीं आते, शाह साहब से जब भी बात होगी तब कोई फाइन नहीं आएगा? क्योंकि क्योंकि मैं बता दूं, मसला ये है कि आपको अभी एक मिनट, हाँ बोलो बोलो हसनैन भाई, बोलो बोलो चंदा, बोलो आप बोलो फिर मैं बताऊंगा भाई। हाँ, उसका उसका इशू है ना, देखें वो लोग पता है टेलीफोन की लैंडलाइन समझा करें इस चीज को, मैं हमेशा कहता हूँ टेलीफोन की लैंडलाइन जुड़ी होती है मेन एक्सचेंज के साथ, के वाया केबल, वो एक्सचेंज बड़े एक्सचेंज के साथ लगा हुआ होता है, तो वो इंटरप्शन इंटरप्शन काउंट नहीं होती, वो ऐसा ही होता है जैसे दो लाइनें मिल गई फोन में तीसरे किसी की आवाज आ रही होती है, वो इंटरप्शन काउंट नहीं होती कि वो पीर है, वो बाबा है, वो सूफी है, वो व्हाटएवर, वो आपका मेन एक्सचेंज है जिसने आपको या लतीफो या आयत करीमा दी है, मेन जंक्शन से बात हो रही है तो कुछ नहीं, उसके अलावा बच्चे की आपने डांट डपट कर दी वजीफे के दौरान बोल दिया तो मसला शुरू हो जाएगा। बेगम के साथ इसीलिए जो कहते हैं ना बात, खुलवत होनी चाहिए कि जहां आप अल्लाह को याद कर सकें उसके साथ। आप देखें ये पूरी सेटिंग जो कोई है, ये जो अल्लाह को याद करने की, अल्लाह को ढूंढने की, जिससे प्रोग्राम शुरू हुआ था अल्लाह को खोजने की, उसमें खुलवत है। मखलूक के साथ भी आदमी अगर रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भाई जी एच खान थे या बड़े बड़े नाम थे जी जी जी, तो आप ये देखें कि उसके बाद उनका एक टाइम खुलवत का है, रसूलुल्लाह का भी खुलवत का था भाई, पब्लिकली मिल रहे हैं मस्जिद नबी में बैठे हुए, लेकिन जिसमें वो अल्लाह के साथ हैं उसमें फिर कोई स्टोरी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि दूई मसला यह है कि उसके मामले में दूई नहीं है ना, कोई और नहीं है, वो ही है, वो अकेला। यानी आप जिक्र जाकिर मस्कूर कोशिश करें, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह तो खैर वहां मौजूद है, ऐसी कोई शक की बात ही नहीं, आप उसका जिक्र कर रहे हैं वो वहां मौजूद है और आप मौजूद हैं, तो फिर इंटरप्शन नहीं करें। यही मसला मैं हमेशा लोगों के साथ कहता हूँ, ये दुरूद को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसमें अल्लाह मौजूद है, मलाइका मौजूद है, जिक्र जाकिर और मस्कूर तीनों एक जगह पे होते हैं, और भी कुछ है बता नहीं सकते। मसला टेक्निकल ये हो जाता है, दुरूद ग्रीटिंग्स है रसूल करीम पे, उनकी आल पे वो भेजा जाता है, जैसे ग्रीटिंग्स हम भेजते हैं, और आप ये समझें कि बड़े एहतमाम के साथ भेजा जाता है, और कबूलियत में उसकी कोई शक शक नहीं है, बाकी तमाम अमाल में है कि भाई कबूल होंगे नहीं होंगे, भाई दिल में है पता नहीं होगा, या अल्लाह कबूल कर ले, हज किसी से मिले आप वलीमा खाए हो गया अल्लाह कबूल कर ले, तो बुनियादी ये इंटरप्शन इस वजह से प्रॉब्लम करती है। अच्छा, अब मसला ये है कि शहजाद भाई का और मेरे में क्या फ़र्क है? मसला ये है कि मसरूर भाई, चीज़ ये है कि मैं बार बार लाइव भी एक बात करता हूँ, ऑफ एयर भी कहता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है मेरे से, कोई कोई पूछे ये सवाल तो मैं बताऊँ, अभी भी सवाल वो जवाब नहीं दूंगा उसका, कि वजह वो वजह बता दूंगा। मसला ये है कि जब फ़ोन बजता है ना मेरा, ठीक है ना, तो मुझे है गाइडेंस, मुझे पता चल जाता है कि ये उठानी है या नहीं उठानी। क्या बात है, सही बात, ठीक है ना। शहजाद को भी गाइडेंस है, मगर इसको पता नहीं है कि क्या गाइडेंस है, ठीक, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आदमी पढ़े और गाइडेंस ना हो, ठीक है ना। वजह क्या होती है कि गाइडेंस क्यों नहीं होती, अगर आप इसके साथ कोई भी चीज पैरेलल करोगे ना एज ए रिचुअल और प्रैक्टिस, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर सिस्टम में रहते हुए गाइडेंस नहीं होती फिर आपको। गाइडेंस के लिए सिंगुलैरिटी है, ये बात याद रखो, वन वे ट्रैफिक है, इसके लिए आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत, अल्लाह की पैरवी, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, उसके अलावा तीसरी चीज कोई नहीं है। मोहब्बत आप सबसे करते रहो, और अपना क्या कहते हैं उसे,
क्या बोलते हैं फिका फिका शिया सुन्नी जो भी है आपके, फिका वो सारी चीजें करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उस फिक्के के अंदर या ये कि उसमें से कोई चीज सोर्स के साथ मिलाओगे, गाइडेंस नहीं होती फिर आदमी को। गाइडेंस के लिए इट हैज टू बी ओनली वन गॉड एंड दैट्स इट, वन अल्लाह और तीसरी चीज कोई नहीं, ला इलाह इल्लल्लाह, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर बात उसके बाद जो बनती है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि इबादत आप उन्हीं की वजह से कर रहे हो। तो ये कहना या ना कहना, करना या ना करना, या रिचुअल करना उसका, डजंट मेक एनी डिफरेंस। द ओनली थिंग दैट काउंट्स इज यू हैव टू रन टुवर्ड्स सिंगुलैरिटी, अल्लाह के पीछे भागना पड़ता है। अच्छा, अब ये कि शहजाद भाई के साथ अब मसला ये हुआ है कि उस मामले में कि इन्होंने किसी ऐसे का फोन उठा लिया होगा जो यानी कि वो किसी काम का नहीं था, ठीक है ना, यानी कि ना उठाने वाला फोन था, इन्होंने इस चक्कर में जल्दी में उठा ली कि कोई मस क्या बल्ली रहा आ जाए, लेकिन वो पता नहीं था कि फोन उठाने पे भी बल्ली आ जाती है। ये रूहानियत का रास्ता बहुत बारीकी का रास्ता है, ये मुझे पता है। अब मैं चल रहा हूं तो मुझे पता है। देखें, अब वो बात कर रहे थे, हस्तैन भाई भी कह रहे थे, आपको भी पता है, अभी मैं वजीफा कर रहा था नीचे, और ये जो वजीफा है ये बाकायदा रियाजत का है, 25,000 का, बोल नहीं सकता इसमें। फोन बजते रहे ना दम के, मैंने उठाया ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद अफशी का फोन आया, मैंने आधी बेल में उठाया वो। क्यों क्योंकि आपको पता चल गया था आपको? नहीं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है अफशी। हाँ, अगर मैं जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, वो भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है जी। योर वाइफ एंड चिल्ड्रन आर योर जिम्मेदारी, माय रिस्पांसिबिलिटी, सो आई हैव टू आंसर दैट फोन। ये चीज है। अच्छा, लोग जो हैं, ये लोग जितने हैं, ये जिम्मेदारी है मेरी, मगर ये गाइडेंस बेस्ड जिम्मेदारी है, मुझे इनके लिए काम करना है। समझ में आ गया? देयर इज अ डिफरेंस। बिल्कुल सही, देयर इज अ डिफरेंस। ये गाइडेंस बेस्ड जिम्मेदारी है, ये मेरे काम से रिलेटेड है, ये इस रूहानी उलूम का पार्ट एंड पार्सल है। अफशी से मेरा शरई रिश्ता है, देयर इज अ डिफरेंस। इनसे मेरा शरई रिश्ता कोई नहीं है, इनसे समझ लें पीरी मुरीदी है या शेख है या वो जो भी एक्स वाई जेड कह लो। मैं वो भी बैत भी नहीं लिया ना, उसमें भी खुला मसला है, उसमें भी खुला मसला है, बैत नहीं लिया, आपने बैत किसी को नहीं लिया, जिम्मेदार नहीं है। लेकिन मसला ये है कि चंदा, बैत तो मसरूर भाई ने भी नहीं ली थी ना, हमारे अब्बा ने करवाई थी, मगर मैं एक बात बता दूं कि मसरूर भाई से और मसरूर भाई दोनों तरफ से वाइस वर्सा जैसी निभाई गई, उतना तो शेख और मुरीद निभा नहीं सकते एक दूसरे की। जायद भाई कर लो, अली भाई कर लो, शौकत भाई कर लो, फारूक अंकल कर लो, जितने लोग उनके साथ भाई मियाँ खान से लेके सब निभाई, सब ने उससे ज्यादा। क्यों मसरूर भाई? बिल्कुल सही, आई एग्री विद दिस। हाँ, क्योंकि एक रिश्ता एक ऐसा दुनिया में रिश्ता है जो हमारे अब्बा कहते थे, वो बात करते थे, ये बात मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले रिश्ते का बता दूं कि चीज ये है कि एक ऐसा रिश्ता है जो शेख मजहब जात पात भेद सबको हटा के, वो मोहब्बत का रिश्ता है। मोहब्बत। और हमारे अब्बा कहते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग पूछते थे कि ये कौन सी जबान बोलते थे, तो हमारे अब्बा जवाब, ये मोहब्बत की जबान बोलते थे। ये चीज है, ये रिश्ता है मेरा इन लोगों से, वरना इनसे ना इन्होंने मेरे से कुछ लेना है ना मैंने इनसे कुछ लेना है। मोहब्बत का रिश्ता है कि जो निभाया जा रहा है, मोहब्बत अगर कर ली गई है तो निभाना है, खत्म हो गई बात, उसके अंदर नवा नुकसान नहीं देखते। शहजाद भाई ने अगर उस जाविये में सोच के, जो नीयत की बात कर रहे थे हस्तैन भाई और मसरूर भाई, अगर नीयत की बात करके सोच के कि अगर ये नीयत होती इनकी कि मुझे इन लोगों से मोहब्बत है और मैं इसीलिए उठा रहा हूँ इनका फोन, तो भी ये 100 पाउंड की बल्ली ना आती। ठीक है ना, यानी कि 100 पाउंड की बल्ली ना आती कि इन्होंने खाना खिलाना पड़ गया सबको ना। अब ये चीज है ना, फाइन है तो खाना तो खिलाओगे ना, ठीक है ना, ये एक चीज है और हम बाकायदा हकदार है उस चीज के। बट द मेन क्या, क्यों मसरूर भाई, है ना, ये चीज है ना, मोहब्बत इज द फैक्टर, मोहब्बत इज द फैक्टर, मोहब्बत इज द की। अगर मैं इनसे मोहब्बत नहीं करूं, 2 दिन नहीं टिकेंगे, काम तो कहीं से भी हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, यहां से कौन सा वारंटी गारंटी है कि क्लास वाली सरकार को फर्स्ट क्लास हो जाएगा? नो, देयर इज नो वारंटी गारंटी। हाँ, एक चीज की गारंटी है, मैं कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, कुरान के आपको, कुरान आपके हाथ में थमा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी मैं कुछ कर सका या नहीं कर सका वो बात की बात है, क्योंकि उस पर मेरा इख्तियार है, उस पर मेरा इख्तियार है, कुरान मैं आपके हाथ में थमा सकता हूँ। जानवाज आपने कई लाख लोगों को कम से कम कुरान तो पढ़ा दिया, कुरान पढ़वा दिया, 10 तो मैंने मुसलमान किए हैं अगर देखा जाए उस तरह तो, ऑन स्केल ऑफ
आई डोंट नो, इट्स अ वेरी गुड फिगर, 10 मुसलमान कर देना मुझ जैसे आदमी को, जो और बड़ा अचीवमेंट जो इंडियन कुर्ता पहन के बैठा हुआ है वो क्यों क्यों ना, मेरे कोई रियाज में कोई बात है, रियाजत वगैरह सब हटा दो, सिर्फ ये कि मोहब्बत, ये चीज है मोहब्बत, दैट्स इट, बस ये चीज है, सिवाय पेंटिंग वाली सरकार के पता नहीं कौन नाम जज्जो के, ठीक है ना, लव हिम टू बिट्स, ये चीज है। क्या बात आपने बताई है, मोहब्बत वाला जो फैक्टर है के शाह साहब, और आज तक लोग, आज हम लोग जो यहाँ बैठे वो भी उन्हीं की मोहब्बत, उन्हीं की मोहब्बत थी ना, देख मोहब्बत थी ना, वो आपके लिए कर गुजरने को तैयार थे, आप उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, ये चीज़ वो जो फैक्ट है कि वो एक इनके आलिम है, उन बता रहे थे कि इल्म, ईमान, मोहब्बत, ये तीनों चीजें इंटरवाइंड है, यस यस, ईमान और मोहब्बत तीनों चीजें एक में पिरोई भी है, और अगर ये चीजें हो जाए और फिर आमाल अच्छे हो जाए तो सुभान अल्लाह क्या बात, समझे ना। और अब मोहब्बत पे बात हो रही है तो मैं एक बात बता दूं कि मोहब्बत जो है ना, समझ लो कि इश्क में सिर्फ वर्ड्स का फर्क है, दोनों सूरतों में भले इश्क और मोहब्बत आदमी नफा नुकसान सोचे बगैर कर गुजरता है, उसके अंदर अगर रब भी नाराज हो जाए ना तो मोहब्बत और इश्क में आदमी कर गुजरता है, ये चीज है, और यही अदा जो है रब को पसंद है, बशर्त ये कि मोहब्बत या इश्क वो ना हो जो आजकल जो हवा चली हुई है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इन एनी एस्पेक्ट, इन एनी क्या कहते हैं उसको, एनी मोल्ड में डाल लो, कोई भी मोल्ड हो उसके अंदर फिट कर, हाँ किसी मोल्ड में डाल दो, चीज ये कि वो फिर आदमी को ये भी नहीं लगता कि जन्नत दोजख का कुछ है, जो होगा देखा जाएगा, बस खत्म हो गई बात, जन्नत दोजख का तो जो चैप्टर है वो जन्नत का और जन्नत दोजख का, ये पिछले हफ्ते हम शुरू करना चाह रहे थे मगर और सवाल जवाब हो गए तो उसकी वजह से वक्त रह गया, फिर अगले हफ्ते के लिए मैं उसे छोड़ देता हूँ क्योंकि उसके लिए तो 1-1.5 घंटा चाहिए कम से कम। मसरूर भाई मैं एक बात बता दूं कि आसमानों में इल्म ना वो कुछ और बयान करता है, बस आसमानों में इल्म जो है ना वो कुछ और बयान करते हैं, हम जो इल्म बयान करते हैं वो अलग है, हसैन भाई करते हैं वो अलग है, आप करते हैं अलग है, शहजाद भाई करते हैं अलग, जितने लोग हर आदमी अपनी सोच के मुताबिक से उस इल्म का बयान, किसी के माइक में खड़खड़ हो रही है, मेरे नहीं हो रही, पता नहीं, मेरे भी नहीं, पता नहीं ये आपके ही हो रही है, 100 pound खाना है ना लेकिन आसमानों में जो जिस जो इल्म का बयान होता है ना वो बेस्ड होता है उस इल्म की हकीकत पे, एक इल्म की हकीकत, अब क्या कहते हैं उसको, चीज ये है कि अमई अजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दवाओ व यक्षिफस्सुआ, चीज ये इस आयत का मतलब जो अब्बा बताते थे हमारे, है कोई मेरे अलावा जो दुआओं को कबूल करे, राइट और रॉन्ग हस्तैन भाई, यही है ना, बिल्कुल हस्तैन भाई, जाम हो चैलेंज है, अल्लाह ने चैलेंज किया है कोई है, हस्तैन भाई की मेरा ख्याल से बैटरी लो हो गई है डिवाइस की, हस्तैन भाई जाम हो गए जी, इन्होंने फ्रोजन डिज्नी का फ्रोजन इख्तियार कर लिया, चीज ये है कि अगर इस आयत को रख लो तो इसका मतलब ये है कि ना आपको किसी वसीले की जरूरत है, ना वसाइल की जरूरत है, ना किसी और की जरूरत है, क्यों है ना, बिल्कुल एक पावर रह जाती है, एक पावर रह जाती है, जब भी मैं कहता हूँ कि भाई आयत अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके आगे पीछे देख लो वो उतरी कब है और आगे पीछे क्या लिखा हुआ है उसके, ये चीज है, और ये मैं बता दूं ये आयत मैंने 12 या 14 साल पढ़ी है, नहीं ज्यादा पढ़ी है यार, 1996 या 2 से पढ़ना शुरू किए, रोजाना जो है तकरीबन 1000 से ऊपर की तादाद थी, और मैंने ये 14 या 12 साल पढ़ी है, रात को 12-1 बजे के बीच में बैठता था, अगर 96 से पढ़ी है तो 15 साल हो गए, हाँ तकरीबन 2010 तक पढ़ी है, 2010-11 तक, जब से मैंने जब शौकत भाई ने देखा था कि पुरानी गाड़ी खड़ी कर दी, नई फरारी निकाली है, तो वजीफा चेंज कर रहा था ना जी, तो ये चीज है, शाह साहब ने अंकल ने हमारे इस आयत पे जिक्र करते थे, हम लोग जिक्र करते थे
क्या पावरफुल होता था। आप यकीन करो मैं ये अजीबो किसी को अगर पढ़वा दूं 10 दिन में काम गोद के अंदर रखा हुआ हो, मगर वो मुसीबत ये किसको पढ़वाऊं, किसको पढ़वाऊं, यही बात है। पढ़ने वाले लोग नहीं रहे, मुसीबत ये है, सब वो चीजें वाले लोग हैं कि शॉर्टकट हो जाए, ये काम हो जाए वो। कोई इबादत इसलिए नहीं करता कि मैं इबादत करके काम करवा लूं, वो इसलिए करते हैं कि ये वजीफे से ये काम हो जाए। वो ये यकीन जब पैदा हो जाएगा कि भाई ये इबादत करने से ये काम होगा, तो फिर बात बनेगी। क्या बात है, क्या बात है, यकीन, फिर भाई यकीन। लेकिन वो ये सोचते हैं कि जी इस वजीफे से काम हो जाए। वजीफा तो क्या कहते हैं, बगैर वजीफों के मैं काम करा देता हूँ। बगैर वजीफों के कितने काम आप लोगों के डैड ने करवाए, बहुत काम हुए बगैर वजीफों के। मजार भरे पड़े हुए बगैर वजाइफ के काम हो जाते हैं। मजार भरे पड़े हुए, आप जाके दुआ मांगो, हम भी मांगते हैं, हम बहुत गए मजार जाके दुआ मांगी, शॉर्टकट है, हो जाता है। मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि मैं एक ऐसी कोई इबादत करूं जिससे ये काम हो जाए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। क्या बात है, क्या टाइम्स हैव चेंज्ड मसरूर भाई, टाइम्स हैव चेंज्ड। जी जी जी, मेरे ख्याल से टाइम ऑफ चेंज, और ये जो यंग जनरेशन है ना, इसका एक्सपेक्टेशन कुछ और है। एक्सपेक्टेशंस जो है वही है, जिन्नात, हमजाद और रूह बदरू, ये सब चीजें हैं। और ये तो हमारे घर जो है वो क्या बोलूं मैं, बस वो क्या कहते हैं उसे, क्या कहना चाहिए, ये इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, ये काम करने वाली चीजें नहीं है। नहीं, ये इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, जैसे कि टूथब्रश हो गया, जैसे कि टिश्यू हो गया, ये इस्तेमाल करने की चीज है, ये वो नहीं है, ये इल्म नहीं है। इल्म कुछ और है, इल्म वो है जो शहजाद भाई रात को कर रहे थे, कि रात को इन्होंने गलती की तो रात को थर्ड पार्टी ने देखा कि ये हुआ है, ये इल्म है, दिस इज द नॉलेज, ये चीज है। मगर वो अच्छा, हसनैन भाई तो मेरे ख्याल से वो उनकी डिवाइस वो हो गई है, डिवाइस वो हो गई है, वो भी समझा दो, 110 पाउंड हो गए, वो लाइव नहीं कहते, बुरी बात होती है वो के कई मायने है। क्यों मसरूर भाई, अब तो फाइन बढ़ता चला जाएगा ना। हसनैन भाई की वाइफ ने फोन में कुछ ऐसा कर रखा है कि एक घंटे के बाद वो बैटरी डाउन हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है इनकी बत्ती। अच्छी बात है रजा, रजा भाई एक बात और बता दे, बड़ा इम्पोर्टेंट है, जरा सा मुझे इसके ऊपर पूछ लो, हमारे सुनने वाले भी देखने वाले इंग्लैंड पाकिस्तान सभी जगह है। एक यूरोपियन चैंपियनशिप चल रही फुटबॉल की, उसमें इंग्लैंड पहुंच गया है क्वार्टर फाइनल में, और सारी बड़ी टीमें जो है पोर्चुगल, जर्मनी, फ्रांस, वो सब आउट हो चुके हैं। तो दे से दैट इंग्लैंड का आपकी चांस ज्यादा है जीतने का, तो इस पे कोई रोशनी डालें, कुछ है आपको इसमें कोई रोशनी, क्या हो सकता है, इज इट अ ईयर फॉर इंग्लैंड और नाउ? देखें बहाव के अंदर जो ऐसी चीजों के जवाब आते हैं, अगर जिता दिया तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ठीक है? बहाव के अंदर ऐसे जवाब आते हैं, लेकिन वो इस तरह के चक्कर में करता नहीं, लेकिन चांस है होने का, चांस है, बहुत बड़ा चांस है। और ये है कब क्वार्टर फाइनल, फाइनल कब है, सॉरी फाइनल सनीचर को है, ठीक है, क्वार्टर फाइनल सनीचर को है, क्वार्टर फाइनल पे ठीक है, सनीचर को है, फ्राइडे को शहजाद भाई याद दिलाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक, फ्राइडे को याद दिलाएंगे ना, वो दरवेश ऑनलाइन के प्रोग्राम में, हाँ मैं ठीक है, याद दिला दूंगा, हाँ तो वो जो है उसके अंदर मैं बताऊंगा कि जीतेगा या नहीं, और जो अगर जीतेंगे तो भाई जो है लोग वो कुछ लगा लें तो फायदे में रहोगे। किसी को मैंने कहा था बॉक्सिंग पे लगा लो, अगर वो लगा लेते तो आज वो हाल ना होता जो अभी हाल है, ठीक है ना, हमारा ये हाल होता, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलता जरूर, लेकिन सुना नहीं तो वो रह गया, ठीक है ना। और एक दफा नहीं, दो दफा ऐसा हुआ है। हाँ, एक आपने लास्ट 2 साल पहले कोई गेम्स थी तब भी आपने बताया था किसी को, बॉक्सिंग आसान है ना, रिंग है ना, बंद है जी, रिंग है, उसका नाम ही रिंग है भाई, रिंग में फाइट करते हैं ना, ये फील्ड है, ये जरा मुश्किल है, ये मुश्किल है, क्यों, 11 आदमी है उसमें, 2 आदमी है और एक जगह कन्फाइंड जगह है, ये आसान है कंट्रोल करना, यानी कि इसको कंटेन करना, कंट्रोल से मतलब यानी कि जवाब ले लेना बहुत आसान है, उसके अंदर 11 आदमी है, फील्ड है खुली,
और उस फील्ड के अलावा फिर लोग भी बाहर बैठे होते हैं, पता नहीं बैठ रहे हैं या नहीं, बट जगह तो बनी है, जगह बनी है तो इसका मतलब बैठ रहे हैं, तो बस फिर अलाउड है, तो फिर इसका मतलब वो भी लोग इन्वॉल्व होंगे फिर इसके जवाब के अंदर कि होगा या नहीं होगा। बॉक्सिंग इजी है, बॉक्सिंग इजी है, रेसलिंग भी इजी है, ये मसला है ना। और फिर वो मुसीबत ये है कि फुटबॉल के अंदर और क्रिकेट के अंदर गेंद होती है, इट्स अ राउंड थिंग, तो वो भी काउंट, इट कैन गो एनीवेयर, राउंड होता है ना, राउंड होता है, तो वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, अगर राउंड है तो लूप में आ गया, वो लूप में आ गया, लूप में आ गया तो मसला है, यानी कि काफी जोर लगाना पड़ता है करने के लिए, नहीं कर नहीं सकते इसको। ये मैं बता दूं कि ये बहुत बात बताई अभी क्या कि वो याद केस जो हुआ था आपके डैड के साथ, उनके पास एक आदमी का केस हो गया था, तो उन्होंने कहा था ये किसी और दिन बताऊंगा डिटेल इसका, तो शाह साहब ने कहा था जब कोर्ट रूम में जब जज बैठ जाए तो मुझे जाके कोर्ट जज का चेहरा दिखा देना बस, और उसने जाकर के चेहरा दिखा दिया, उन्होंने ये गए अंदर जाकर उनका ये जज का चेहरा देखा, उन्होंने कहा बस मुझे घर ले जाओ, केस जीत जाओगे, खत्म हो गई बात। क्या बात है, तो वहां भी यही हुआ था, कन्फाइंड स्पेस, लिमिटेड पीपल, तो ही कुड इन्फ्लुएंस इट, या ही कुड इन्फ्लुएंस इट। तो वही जो आपने बात कही अभी मेरे क्लिक की, मैंने कहा कि कितने साल पुरानी बात, 77 वगैरह की बात है। मसरूर भाई देखे मैं एक बात बताऊं कि ठीक है मेरे डैड नहीं है और ना उन्होंने बैठ के कोई, आपको पता है वो मेरे को दूर रखते थे इस रास्ते से, आपको पता है, आपको पता है बिल्कुल दूर रखते थे, ठीक है ना, लेकिन जो वो करते थे वो एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ और किस तरह कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, गाइडेंस है, गाइडेंस है, ये गाइडेंस सही बात है, अगर चिंगारी नहीं हो तो आग कहां से लगेगी भाई। लेकिन ये पता जरूर करूंगा कि वो आवाज किसकी थी, पता ये मैं पता मेरा भी तो चार नंबर का हो ना, मैं छोड़ूंगा थोड़ी, पता करके रहूंगा, भले 6 महीने लग जाए पता करने में, भले वजीफा करके पता कर लूं, वो तो इल्म है मेरे पास कि वजीफे से कुछ भी पता कर सकता हूँ, वो तो मुझे पता है, दैट आई कैन डू। चैट जो है वो 5:30 ही बजा रही है अभी तक, यार हद हो गई है। बस भाई रैप अप करें फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है रजा भाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे और वो जो एक प्रोग्राम बना उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वो प्रोग्राम से मतलब अनाउंसमेंट आप कर दें, क्योंकि चीज ये है कि आपके अंकल का प्रोग्राम है तो अनाउंस कर दें, अभी वो बन जाएगा 2-3 हफ्ते में, सब रेडी होगा उसका। अब वेल हम लोग ये एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमारे अंकल जो थे बड़े शाह साहब, उनको हमारी जो नई जनरेशन है या जो नए जानने वाले हैं जिन्होंने हम लोगों से उनके बारे में सुना है, उन्होंने उनको देखा नहीं, तो किताबें पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है और बातें करते हैं हम लोग, मगर हमने एक ऐसा प्रोग्राम निकालने का सोचा है विद इन 3-4 वीक्स रजा भाई के थ्रू, कि उसका नाम होगा द लेगेसी ऑफ बड़े शाह साहब। क्या बात है, और उसमें हम शाह साहब की वो बातें डिस्कस करेंगे जो कि हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन ये समझे कि वो शाह साहब थे क्या, वो थे क्या, उनकी जस्तजू क्या थी, उनकी क्वेस्ट क्या थी, उनको किस चीज की भूख थी, कि वो क्या चीज ढूंढ रहे थे और वो कैसे कैसे उस जिद्दोजहद से गुजरे, ये हमने उस प्रोग्राम में करना था कि हमारे जो नई जनरेशन है, जो नए लोग जो जुड़े हैं हमसे, वो इस बात को समझें कि हाउ ग्रेट अ पर्सनैलिटी वाज अवर अंकल एंड शाह साहब। तो ये हम लोगों का प्रोग्राम है इंशाल्लाह, व्यूअर्स दुआ करें कि ये प्रोग्राम अच्छी तरह से प्लान हो जाए, देन वी विल डू इट एवरी 3-4 वीक्स हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे और शाह साहब की जिंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे, यानी कि नाश्ते से लेकर रात खाना कैसे खाते थे, कैसे बैठते थे, कैसे उठते थे, पहनते क्या थे, घड़ी के अंदर टाइमर और सब चीजें, सब 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 Exactly. और मैं तो उनके राइट हैंड पे बैठता था तो वो मुझसे ये कहा करते थे, मसरूर तुम 4 नंबर और तेज बहुत खाते हो, तो वो कहते थे कि मैं, मुझे देख लो, मैं हर निवाले को 32 बार चबाता हूँ। क्या बात है मतलब खाने से लेके पीने से लेके हर चीज में उनका एक डिसिप्लिन था, और खाते भी वो उतने ही चाहिए, नहीं कि आज ज्यादा खा लिया, ना 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 ना, बिल्कुल उतना ही,
उनका नाश्ता बंधा हुआ था, लंच बंधा हुआ था बिल्कुल। मैं एक रम्स की बात बता दूं डैड की, अब जब बाहों का प्रोग्राम है बैठे हैं, बाहों तो होता है बताते हैं चीजें, जब उन पे बिस्मिल्ला का राज खुला ना 1970s की बात है, ठीक है ना, 289 में उन्होंने ग्लास से लेकर घड़ी से लेकर प्लेट से लेकर वो ग्रेवर पता नहीं अली भाई लाए थे मेरे ख्याल से, हर चीज के ऊपर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख दी थी। अभी भी घड़ी मेरे पास रखी हुई है मसरूर भाई, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद उनके ऊपर जब अलहमद का राज खुला, अब ये बड़े रम्स की बात बता रहा हूँ ये, अब आगे उसके समझा नहीं सकता, तो उन्होंने अलम टिल द लास्ट डे रियाजत की उसकी, वो अलम का वजीफा 21 यौम का। जब यासीन का राज खुला ऑन अ लेटर स्टेज इन द ईयर 2000 या जस्ट बिफोर दैट, तो उन्होंने विर्द मोबी यासीन चलता रहा, उन्होंने तीनों रियाज अपने साथ रखे। क्या बात है, और ये मैं बता दूं कि ये बड़े राज की बात है, अगर आदमी थोड़ा सा सोचे कि ये क्या राज है ये मैं बता नहीं सकता बस। सुभान अल्लाह, क्या बात कही आपने, क्या बात कही। अब मसरूर भाई समझ गए होंगे कि आगे क्या है, बिल्कुल है ना, आप समझ गए ना आगे क्या है, ये चीज है। अच्छी बात है जनाब, हसनैन भाई तो चले गए, शहजाद भाई खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी मसरूर भाई, है ना, इंशाल्लाह। ओके मसरूर भाई, ओके ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, अल्लाह ताला ब्लेस यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जी शहजाद भाई, आज रैप अप, अभी थोड़ी देर में दम दरूद। यार वैसे ऐसे बुरा लग रहा है, वो अच्छा बुरे नहीं लग रहे आप, अगर ब्रेडफोर्ड स्टूडियो से कर लो तो भी ठीक है। अच्छा आपका नहीं, नाम नहीं। जो है ना स्पेलिंग गलत है, शिराज हो गया है। नहीं नहीं शहजाद है, ठीक है पूछ रहा हूँ यार, मैं तो देखा भी नहीं है, वही प्रेशर, ठीक है ना। चलो ठीक है चंदा, मिलते हैं, ये यार चैटें रुक गई हैं मेरी यहाँ पे, ठीक है मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी आप दम वगैरह की कॉलें लोगे फिर वजीफा करोगे? नहीं मैं पहले वजीफा करूंगा, पहले कुछ खाऊंगा और क्या कहते हैं दम की कॉले मैं आज सुबह के टाइम लूंगा, फजर के बाद नहीं, दम की कॉले जो है ना अभी करना शुरू कर दो 412 पे, 412-828। ठीक है दम वाले अभी करना शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ दम वाले, सिर्फ दम वाले और कोई नहीं। कनेक्ट कॉल्स का आज कोई सिस्टम मुश्किल है बैठे, क्योंकि मेरे को और काम करना है, कुछ और वजीफे भी बाकी है मेरे ना। आईब्रोज क्या हाल है, बेहतरी वाली बाजी, ब्लैक वाली बाजी को मैंने ब्लू कर दिया, गो ऑन लैड, ठीक है ना। बड़ी मुश्किलों से गया आपको ढूंढना पड़ा है, 15 मिनट लग गए, प्रोग्राम खराब, हम जज चौके। चलो ठीक है, मेरी तरफ से खुदा हाफिज, तो शहजाद भाई क्लोजिंग आर्गुमेंट एंड रैप अप। मेरी तरफ से भी सबको अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी दरवेश ऑनलाइन में, इस्तखारा प्रेडिक्शन वो ख्वाब और वज़ाइफ हर चीज पे बात होगी, तो कल क्योंकि मैराथन होगा हमारा, तो तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।